हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टू क्लास तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जो हम कुछ और एम सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो ये जो है एम सी के क्वेश्चन का पार्ट टू है इससे पहले जो मैं पार्ट वन बना चुका हूँ जिसमें कि जो हमने लगभग एक सौ दस क्वेश्चन को डिस्कस करा था तो वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो था उसको जो है मैंने पुराने वीडियोज़ को ही जो है मर्ज करके बनाया था तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी जो है पुराने वीडियोज को मर्ज करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ मतलब कि यहाँ पर भी जो है मैंने कुछ वीडियो जो मैंने टम्बन एग्जाम के लिए बनाए थे उन्हीं को मर्ज कर दिया है जिससे कि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा एमसी के क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाए तो इस वीडियो को भी जो है आप लोग बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे भी जो है काफी ज्यादा एम्स के क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे कि जो है आपको क्लैरिटी मिल पाए तो यहाँ पे भी जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स के सेट मिलेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेंगे आपको 35 35 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और इस वीडियो में जो है मैंने सैंपल पेपर वाली वीडियो भी मर्ज कर दी है मतलब कि जो टर्म वन के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा था तो उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो को भी यहाँ पर मर्ज कर दिया है तो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था टर्म वन एग्जाम के लिए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए वर्ट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो यहाँ पे जो है कोड दे रखा है इस कोड का आपको आउटपुट बताना है तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं आपको बताना है कि ये जो कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की तो इस कोड में देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे जो है आपकी ये पूरी डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए क्या करा गया है फॉल लूप लगाया गया है और फॉल लूप में देखिए दो वेरिएबल लिए हैं आई जे और इसके बाद में बोला है इन ए डॉट आइटम्स तो मतलब क्या हुआ जो डिक्शनरी है इसके जो है आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है इन दोनों को प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया है एंड आर्ग्यूमेंट तो मतलब क्या हुआ जो आई जे की वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगी पहले आई की वैल्यू आएगी फिर उसके बाद में जे की वैल्यू आएगी तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा मतलब कि वन आएगा फिर आपका ए आएगा फिर टू आएगा फिर बी आएगा फिर थ्री आएगा फिर सी आएगा सिंपल सी बात है की जा रही है हमारी आई में और जो वैल्यू है वो हमारी जा रही है जे में तो इस तरीके से हर बार क्या होगा जो की होगी वो आई में जाएगी और जो वैल्यू है वो हमारी जे में जाएगी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर टू की तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया है देखिए वर्ट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे भी देखिए कोड दे रखा है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे भी क्या है हमारी ए के नाम से एक डिक्शनरी बनी हुई है और यहाँ पे देखिए बोला गया है ए डॉट गेट और गेट में देखिए लिखा हुआ है वन कॉमा फोर तो गेट फंक्शन का काम क्या होता है गेट फंक्शन जो है की को सर्च करता है अगर वहाँ पर आपको की मिल जाती है गेट फंक्शन को तो ये क्या करता है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है तो यहाँ पे इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है वन कॉमा फोर तो वन कॉमा फोर का मतलब है यहाँ पे वन के नाम से तो की को चेक करेगा कि यहाँ पे वन के नाम से की है या नहीं है अगर इसे की मिल जाएगी तो तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा और अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेगा इस नाम से क्या करेगा न्यू की को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू जो है फ़ोर यहाँ पे रख देगा तो इस वाली डिक्शनरी केस में देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे जो ए है हमारी डिक्शनरी इसके अंदर वन के नाम से हमारी की है तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा वन की वैल्यू आ जाएगी मतलब कि जो ए है वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसका आंसर आया है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है सेमी क्वेश्चन है जो भी मैंने क्वेश्चन टू कराया था उसी की तरह है और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है ए डॉट गेट फाइव कॉमा फोर तो यहाँ पे देखिए फाइव के नाम से कोई भी की नहीं है तो मैंने अभी अभी, अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी की नहीं होती है तो क्या करता है ये इस वाले पार्ट को तो की के रूप में यहाँ पर ऐड कर देता है और इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देगा मतलब कि यहाँ पे फाइव जो है की है और फोर जो है यहाँ पे वैल्यू है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा सिंपल सी बात है फाइव की हो गई तो इसकी वैल्यू जो है फोर हो जाएगी तो आउटपुट जो है इसका आ जाएगा फोर मतलब कि यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तो क्वेश्चन नंबर फोर में भी देखिए यहाँ पे आपसे आउटपुट पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए जो कोड है ये वाला जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है ए नाम से एक यहाँ पे डिक्शनरी है और यहाँ पे ए डॉट क्लियर किया गया है मतलब कि क्लियर जो मेथड होता है वो उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो जैसे ही हम क्लियर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा जितने भी की वैल्यू पेयर हैं उनको क्लियर कर देगा मतलब कि पूरी जो डिक्शनरी है उसको क्लियर कर देगा और उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया, गया ए को तो जैसे ही ए को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा हमें आउटपुट में मिलेगी एम डिक्शनरी तो इसीलिए तीनों जो आंसर हैं वो आपके गलत हो जाएंगे इनमें से कोई भी नहीं होगा करेक्ट करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी इसका हो जाएगा आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमें एम टी डिक्शनरी मिल रही है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फाइव की तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या बोला गया है वर्ट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड मतलब कि यहाँ पे जो पाइथन का कोड दे रखा है इसका भी आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आउटपुट बेस मैंने लिए हैं क्योंकि आउटपुट कैलकुलेट करना हमेशा ही डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आउटपुट बेस लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो बाकी चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा देखिए यहाँ पर जो है हमारी डिक्शनरी ए के नाम से है और यहाँ पर लगाया गया है सेट डिफ़ॉल्ट मैथड को मतलब कि यहाँ पर ये चेक करेगा अगर आप लोगों को याद हो मैंने सेट डिफ़ॉल्ट मेथड आपको पढ़ाया था डिक्शनरी में तो सेट डिफ़ॉल्ट करता क्या है यहाँ पे देखिए फोर जो है वो की है और इसकी जो वैल्यू है वो डी है तो यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट में होगा क्या ये चेक करेगा इसकी वैल्यू को मतलब कि यहाँ पे जो है अगर इस नाम से की मिल जाती है मतलब फोर के नाम से यहाँ पे अगर की मिल जाती है तब तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा और अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती है फोर के नाम से मतलब फोर के नाम से यहाँ पे की नहीं है इस वाली डिक्शनरी में तो क्या करेगा फोर के नाम से न्यू की यहाँ पे ऐड कर देगा और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डी दे देगा तो इस केस में देखिए हमने प्रिंट कराया यहाँ पे क्या ए और यहाँ पे अगर हम बात करें इस डिक्शनरी की तो यहाँ पे देखिए फ़ोर के नाम से कोई भी की नहीं है तो इसीलिए होगा क्या ये जो हमारी की वैल्यू पेयर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जब हम प्रिंट ए करेंगे तो हमारी जो है डिक्शनरी ये आउटपुट में आ जाएगी मतलब कि फ़ोर तो हमारी की हो गई और डी जो है उसकी वैल्यू हो गई तो इस तरीके से जो हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग विल गिव आउटपुट हेलो हाउ आर यू मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट है ये आपका हेलो हाउ आर यू और यहाँ पे देखिए सारे वर्ड जो हैं उनके बीच में हाईपन आ रहा है तो यहाँ पे ये यह जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिए गए कौन से स्टेटमेंट से जनरेट होगा मतलब कि यहाँ पे ए वाले से होगा या बी वाले से होगा या फिर सी वाले से होगा या फिर डी वाले से होगा तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को देख के बताना है कि आउटपुट जो है वो कौन से वाले स्टेटमेंट से आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आएगा हमारा बी वाले स्टेटमेंट से किस तरीके से आएगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो तो हेलो देखिए पूरी एक स्ट्रिंग है और हेलो के साथ में देखिए यहाँ पर हाईफन लगा हुआ है इसके बाद में देखिए यहाँ पर हाउ आर यू है और हाउ आर यू में देखिए हाउ के बाद में हाईफन है फिर आर के बाद में हाईफन है तो ये पूरा पार्ट जो है वो एक स्ट्रिंग है तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग हैं और इन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे देखिए प्लस की हेल्प से क्या कर दिया गया है ज्वाइन कर दिया गया है मतलब कि जो प्लस होता है वो हमारा कैसा ऑपरेटर होता है कॉन्कंटिन्यूशन ऑपरेटर होता है तो ये क्या करेगा दोनों ही स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट से हमारा ये वाला आउटपुट जनरेट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये आउटपुट कैसे आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपसे आउटपुट पूछा गया है और यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है तो इस कोड को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा आउटपुट होगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका होगा कौन सा वाला डी वाला ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा अब क्यों होगा देखिए यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है सबसे पहले तो एक बेरेबल बना हुआ है आई के नाम से जिसकी वैल्यू है वन और यहाँ पे बोला है वाइल्ड ट्रू तो मतलब कि जो लूप है वो हमारा इन्फिनेटली चलेगा क्योंकि हमने ट्रू कर दिया है तो यहाँ पर जो लूप होगा वो हमारा चलता ही रहेगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला हमने इसके अंदर एफ़ क्या हो आई डिवाइडेड बाई टू मतलब कि मॉडल ऑपरेटर लगाया है तो हम बोल रहे हैं कि दो से डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो आता है तब तो ये हमारा ब्रेक हो जाए अदरवाइज क्या हो हमारा यहाँ पे प्रिंट करता चला जाए क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू प्रिंट करेगा और ये वैल्यू जो प्रिंट करेगा कैसे करेगा यहाँ पे मतलब कि एक ही लाइन में प्रिंट करेगा इस तरीके से एक ही लाइन में आपका आउटपुट आना चाहिए तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट एक ही लाइन में आएगा और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है आई प्लस इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है उसमें प्लस कर दिया है टू तो यहाँ पे जैसे ही प्लस करेंगे टू तो होगा क्या जो आई की वैल्यू है वो हमेशा आपकी ऑड वैल्यू रहेगी और जब भी ऑड वैल्यू रहेगी तो हमारी ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी तो कभी भी ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये वाला कभी भी नहीं चलेगा मतलब कि हमारा जो लूप है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा पहले प्रिंट करेगा वन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वन है उसके बाद में वैल्यू हो जाएगी थ्री तो थ्री प्रिंट करेगा फिर आपकी फाइव होगी फिर आपकी सेवन होगी नाइन होगी इलेवन होगी मतलब कि कंटिन्यूअसली इस तरीके से हमारा लूप चलता जाएगा तो इन्फिनाइटली जो वैल्यू है वो प्रिंट होती चली जाएंगी ये जो डॉट लगे हुए आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लूप है वो हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो इसीलिए इस क्वेश्चन का डी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तो क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन मतलब कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस होता है तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर के नेम दे रखे हैं पहला है पैरेंथिस फिर दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल फिर दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसके बाद में है डिवीज़न फिर एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर ये यह बोलना है कि अगर हम इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लगाएं मतलब कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लगाएं तो यहाँ पर क्या ऑर्डर बनेगा यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो ए ऑर्डर बनेगा या बी बनेगा या फिर सी बनेगा बनेगा या फिर डी तो so इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर दे रखा है वो करेक्ट ऑर्डर दे रखा है सबसे हाइस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो पेरेंसिस की होती है फिर एक्सपोनेंशियल की होती है फिर आपकी मल्टीप्लीशन की होती है फिर डिवीजन की होती है फिर एडिशन की होती है देन सब्ट्रेक्शन की होती है तो ये जो ऑर्डर है करेक्ट ऑर्डर है तो इसीलिए हमारा ये फर्स्ट uh, वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मतलब कि यहां पे ए वाला जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जितने भी ऑपरेटर होते हैं सबकी प्रायोरिटी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नाइन की तो क्वेश्चन नंबर नाइन में भी देखिए ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम प्रेसिडेंस मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेटर के नेम दे रखे हैं तो इनमें से जो है कौन कौन से ऑपरेटर का जो है सेम प्रेसिडेंस होता है तो अगर हम बात करें पहला ऑप्शन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेकंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और थर्ड है यहाँ पे बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मतलब कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है तो बताओ इसमें कौन सा वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं तो आपको जो है यहाँ पे टिक करना है बताइए जो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा आप लोग साथ साथ जो है टिक करते चलिए और लास्ट में आप लोग चेक कीजिए कि, कि, कि आपके कितने आंसर सही हुए तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा सी सी क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रेक्शन ऑपरेटर होते हैं दोनों की प्रायोरिटी सेम होती हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर जो होते हैं उनकी भी प्रायोरिटी सेम होती हैं तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्यों हो रहा है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन तो यहाँ पे बोला गया है देखिए इस कोड को स्टडी करने के लिए और इस कोड को स्टडी करने के बाद में आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी नो आउटपुट अब ये आंसर क्यों होगा समझ लीजिए देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है जेड के नाम से वेरिएबल है और जे के नाम से वेरिएबल है जेड के अंदर स्ट्रिंग है एक्स बाई जेड और जे के अंदर है जे नाम से स्ट्रिंग इस तरीके से जो है हमारी दो स्ट्रिंग यहाँ पे हैं और इसके बाद में देखिए यहाँ पे वाइल लूप लगाया और वाइल लूप में बोला है वाइल जे इन जेड मतलब कि जो जे वाली स्ट्रिंग है ना वो अगर आपकी जेड वाली स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे क्या हो हमारा ये वाला लूप चल जाए लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली स्टिंग इसमें नहीं है तो ये लूप हमारा नहीं चलेगा जब ये नहीं चलेगा तो आउटपुट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नो आउटपुट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर टेन की तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है देखिए यहाँ पे अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं मतलब कि अगर मैं ऐसे करता हूँ एप्पल इक्वल मैंगो तो इस तरीके से जो मैंगो वैल्यू है उसको मैं असाइन कर रहा हूँ एप्पल वाले वेरियल में तो इस तरीके से अगर मैं असाइन करने की कोशिश करता हूं तो किस टाइप का एरर मुझे देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन है सिंटैक्स एरर सेकंड है नेम एरर थर्ड है वैल्यू एरर और फोर्थ है आपका टाइप एरर तो आप लोग को बताना कि कैसा एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे बच्चे सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू एरर देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा आपका बी नेम एरर अब नेम एरर क्यों आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एप्पल इक्वल हमने कराया मैंगो तो मैंगो जो है हमने डबल कोर्ट में नहीं डाला है तो इसका मतलब क्या है पाइथन को लगेगा कि मैंगो के नाम से कोई वेरिएबल है और कोई वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर बना हुआ नहीं है तो इसलिए क्या करेगा वो नेम एरर जनरेट आपको कर देगा कि मैंगो के नाम से आपके प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो नेम एरर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी आंसर इसका क्यों होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है वट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आपको आउटपुट बताना है तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या होगा ये रहे इसके ऑप्शन तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ज़ीरो ये क्यों होगा आंसर ये इसलिए होगा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक स्ट्रिंग दे रखी है ये और इसके बाद में बोला है कि इस स्ट्रिंग में काउंट करो किसको को एक्स बाई वाई स्ट्रिंग को मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है इसको काउंट करना है और यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग दे रखी है कि यहाँ पे आपको काउंट करना है माइनस टेन इंडेक्सिंग से लेके माइनस वन तक की इंडेक्सिंग के बीच में मतलब कि इस इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है माइनस टेन से और माइनस वन तक चेक करना है तो माइनस टेन से और माइनस वन तक अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको एक बार भी एक्स बाई वाई स्टिंग नहीं मिलेगी अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है एक्स बाई वाई मिल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर वन होगा तो आप लोग रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे लिमिट देते हैं माइनस वन दिए हमने तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब कि जो भी हमारी यहाँ पर अपन लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसीलिए जो है यहाँ तक आपका चेक होगा तो यहाँ पे जो है ये वाली स्टिंग आपको नहीं मिलेगी इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी जीरो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोड दे रखा है और इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस देखिए आपके सामने हैं ए है 11, बी है 12 एंड सी है 21 एंड डी है 22। तो इनमें से क्या आउटपुट आएगा इस कोड के एग्जीक्यूट होने पर तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका आंसर होगा बी ट्वेल्व अभी ट्वेल्व कैसे आएगा देखिए समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हमारी क्या है एक लिस्ट है नेम बन के नाम से एक लिस्ट है और उसके बाद में देखिए हमने क्या करा है नेम टू इक्वल कर दिया है नेम बन तो मतलब क्या हुआ नेम बन के पास भी क्या हो गई यही वाली लिस्ट हो गई एक तरीके से यहाँ पे हमने दो लेबल दे दिए हैं सेम लिस्ट को और नेम थ्री की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे नेम्स थ्री के नाम से एक वेरिएबल लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने क्या करा है नेम वन और यहाँ पर देखिए स्लाइसिंग करिए स्लाइसिंग में जो है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन नहीं करा है तो जब भी हम इस तरीके से करते हैं तो होता क्या है जो पूरी लिस्ट होती है वो हमारी स्लाइस हो जाती है मतलब कि जो पूरी लिस्ट होगी वो हमारी कहाँ पे जाएगी नेम थ्री के पास में आ जाएगी अब यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ये हमारी ट्रू कॉपी क्रिएट हो रही है जबकि नेम टू में जो हमारी लिस्ट है वो हमारी ट्रू कॉपी नहीं है तो अगर हम बात करें नेम थ्री में हमारी एक लिस्ट आ गई है नेम टू में एक लिस्ट आ गई है और नेम वन में एक लिस्ट आ गई है मतलब कि तीनों ही जगह पे सेम लिस्ट है यही वाली लिस्ट है अब देखिए इसके बाद में क्या करा है यहाँ पे नेम्स टू के जीरो इंडेक्स पे अमित को डाल दिया है मतलब कि जो नेम टू वाली लिस्ट है इसके जीरो इंडेक्स पे अमित डाल दिया है तो जब नेम टू वाली लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे अमित जाएगा तो नेम वन में भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी ट्रू कॉपी क्रिएट की हुई नहीं है दोनों ही जो नेम है नेम्स वन और नेम टू सेम ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो जो भी चेंजेस एक लिस्ट में होगा वो दूसरी लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो गया नेम वन वाली लिस्ट में और नेम टू वाली लिस्ट दोनों में ही क्या हो जाएगा अमित हो जाएगा कहाँ पे जीरो इंडेक्स पे मतलब कि यहाँ पे जो है अमित आ जाएगा अब अगर हम बात करें नेम थ्री की तो नेम थ्री के फर्स्ट इंडेक्स पे हमने कर दिया है सचिन मतलब कि जो हमारी नेम थ्री वाली लिस्ट है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा सचिन इसके बाद में सम नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसको कि जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है और फिर जो यहाँ पे फॉल लूप लगाया और फॉल लुप में क्या बोला है मैंने नेम्स वन नेम टू नेम थ्री मतलब कि कॉमा लगा के इस तरीके से लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा एक सिक्वेंस बन गया है तो यहाँ पे क्या होगा एक एक करके ये आई वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे पहले नेम्स वन जाएगा फिर नेम्स टू जाएगा फिर नेम्स थ्री जाएगा तो मतलब क्या हुआ पूरी एक लिस्ट जो है वो आई वाले वेरिएबल के पास में आएगी और जैसी एक लिस्ट आएगी तो यहाँ पे होगा क्या उस लिस्ट के जीरो इंडेक्स को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है नेम्स वन वाली लिस्ट यहाँ पे जाएगी तो नेम्स वन वाली लिस्ट में क्या है यहाँ पे अमित है यहाँ पे नेहा है यहाँ संजय है यहाँ साक्षी है तो यहाँ पे होगा क्या हमने बोला है कि नेम्स वन के जीरो इंडेक्स पे अगर अमित है तो क्या कर दो सम की वैल्यू को प्लस कर दो मतलब कि सम की वैल्यू में जो है प्लस वन कर दो तो सम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्योंकि पहले थी जीरो अब हो जाएगी वन इसके बाद में ये लूप जो है सेकंड टाइम चलेगा और सेकंड टाइम चलेगा तो क्या होगा यहाँ से नेम्स टू वाली लिस्ट आई के पास में चली जाएगी और नेम्स टू वाली जो लिस्ट है इसके जीरो इंडेक्स पे भी क्या है अमित है तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा वन मतलब कि सम की वैल्यू में प्लस वन हो जाएगा

तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने बोला है कि दूसरी कंडीशन टेस्ट करो अगर फर्स्ट इंडेक्स पर सचिन है तो क्या हो जाए यहाँ पे प्लस टेन हो जाए तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा सचिन था यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब हुआ क्या है जो सम की वैल्यू है उसमें प्लस हो जाएगा टेन तो सम की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी ट्वेल्व इस तरीके से सम की न्यू वैल्यू ट्वेल्व हो जाएगी इसके बाद में ये लो पैंड हो जाएगा और यहाँ पे जो हमने सम को प्रिंट कर दिया है तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो ट्वेल्व यहाँ पे आ जाएगा आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसका आउटपुट ट्वेल्व आया है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो ये क्वेश्चन भी देखिए फंक्शन पे बेस्ड है यहाँ पे कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मतलब कि यहाँ पे कौन सा आउटपुट आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ए वाला मतलब कि ये जो आउटपुट है करेक्ट है ये आउटपुट इस कोड के चलने पर आएगा किस तरीके से आएगा यहाँ पर समझ लीजिए देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है जो कोड है हमारा यहाँ पर क्या है एक फंक्शन है चेंज वेल के नाम से और यहाँ पे देखिए दो आर्गुमेंट पास करें मतलब कि दो पैरामीटर दे रखे हैं एम एन के नेम से इस तरीके से दो यहाँ पे आर्गुमेंट दे रखे हैं और इसके बाद में देखिए जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या पास L की गई है एल की वैल्यू पास की गई है और यहाँ पे फोर पास किया गया है तो एल क्या है यहाँ पे एक लिस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ जो एल की वैल्यू है वो तो चली जाएगी एम में और जो फोर है वो हमारा जाएगा एन में तो मतलब ये हुआ एम के पास में क्या है ये वाली पूरी एक लिस्ट है यहाँ पे जो है एम के पास में एक लिस्ट है और यहाँ पे जो फोर वैल्यू है वो हमारी हो गई एन की तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ चुकी हैं अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है फोर आई इन रेंज एन मतलब कि जो एन की वैल्यू है उस रेंज में हमारा लूप चलेगा तो लूप कितनी बार चलेगा देखिए जो आई वेरिएबल है इसके पास में क्या क्या वैल्यू जा सकती है यहाँ से यहाँ से जाएंगी जीरो यहाँ से जाएगा फिर वन फिर टू और फिर थ्री मतलब कि ये जो है पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि आई वाले बेरेबल को मिल सकती हैं मतलब कि जीरो कामा फ़ोर की यहाँ पे रेंज बन रही है जीरो कामा फ़ोर की रेंज बन रही है तो ये जो है वैल्यू यहाँ पे जाएंगी क्योंकि यहाँ पे अपर पार्ट जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होता है तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा लुप जो है वो फोर टाइम चलेगा जब फोर टाइम चलेगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पर आई वाले बेरेबल को वैल्यू मिलेगी जीरो और जीरो जब वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जीरो तो इसका मतलब ये हुआ कि एम के जीरो इंडेक्स पे तो एम के पास में क्या है पूरी एक लिस्ट है मतलब कि ये वाली लिस्ट है तो इसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर आपकी मॉडलस फाइव होती है और उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है मतलब कि फ़ाइव से डिवाइड होने के बाद में उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो आपका क्या हो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट वाली वैल्यू की ये जीरो इंडेक्स पे है तो ये हमारी फ़ाइव से डिवाइड हो रही है और इसका रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने पे क्या हो रहा है एम आई फ्लोर डिवीजन इक्वल फाइव तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइव से डिवाइड करो किसको को एम के आई इंडेक्स को मतलब कि इस वाले इंडेक्स को फाइव से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू बने उसको इसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो मतलब एम आई इंडेक्स पे स्टोर कर दो तो ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका फाइव तो यहाँ पे जो है फाइव स्टोर हो जाएगा मतलब कि इस इंडेक्स पे फाइव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ फाइव आप लोग समझ जाना ये फाइव है तो यहाँ पे हमारी फाइव वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई थी इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगेन कंडीशन लगी हुई है मतलब कि यहाँ पे दोबारा से सेफ लगा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि जो आई इंडेक्स पे अब वैल्यू आ गई है वो अगर आपके थ्री से डिवाइड होती है तो नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो तो यहाँ पे अगर हम बात करें फाइव वैल्यू आ चुकी है तो फाइव को अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है हमारा यहाँ पे फाइव आ चुका है मतलब कि एक वैल्यू फाइव इस तरीके से हो गई है अब बात करें ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन जब वन हो जाएगी तो वन इंडेक्स की बात कर रहे हैं मतलब कि एट की बात कर रहे हैं और एट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एट फाइव से डिविजिबल नहीं है मतलब कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे फिर चेक होगा तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसीलिए यहाँ पे एट का एट ही रहेगा इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी टू और टू की बात करें तो इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा डिविजिबल है मतलब फाइव से डिविजिबल है और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाली कंडीशन हमारी रन हो जाएगी मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे सेवेंटी फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव से तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा मतलब कि फिफ्टीन जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फिफ्टीन है वो थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा मतलब थ्री फाइव जाए फिफ्टीन तो मतलब क्या हुआ न्यू वैल्यू जो है अब यहाँ पे फाइव आ जाएगी मतलब कि स्टार्टिंग में यहाँ पे फाइव आ चुका है और यहाँ पे भी फाइव आ चुका है ये वाला एट ऐसे ही रहेगा इसके बाद में देखिए अगेन हमारा लूप चलेगा जब अगेन लूप चलेगा तो यहाँ पे जो आई है उसको वैल्यू मिलेगी कितनी थ्री यहाँ पे वैल्यू थ्री मिलेगी थ्री का मतलब है थर्ड इंडेक्स मतलब कि ये वाला इंडेक्स तो ये इंडेक्स फाइव से तो डिवाइड नहीं होगा मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पे फाइव से डिवाइड होने पे जीरो नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर ये वाला स्टेटमेंट चेक होगा कि यहाँ पे जो है हमारा इंडेक्स मतलब कि थर्ड वाला इंडेक्स जो है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हो जाएगा थ्री से डिवाइड तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ट्वेल्व को करेंगे थ्री से डिवाइड तो कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे फोर आ जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनी हमारी लिस्ट यहाँ पे बन गया फाइव यहाँ बन गया एट यहाँ फाइव बन गया और यहाँ पे जो है फोर आ गया इसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉल लूप लगाया है और बोला है फॉर आई इन एल मतलब कि जो लिस्ट हमारी मॉडिफाई होकर यहाँ पे आ चुकी है उस लिस्ट को जो है यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा एक एक एलिमेंट आएगा तो पहले फाइव आएगा तो फाइव को प्रिंट कर दिया उसके बाद में हैश आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए फाइव हैश आ गया फिर इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा एट आएगा तो एट हैश आ जाएगा फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ये वाला तो फाइव हैश आ जाएगा और इसके बाद में ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे क्या हो चुका है फोर हो चुका है तो आपका आ जाएगा फोर हैश तो इस तरीके से हमारा ए वाला जो आउटपुट है इसका करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो कोड दे रखा है इसका आपको पॉसिबल आउटपुट बताना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका रैंडम फंक्शन पर बेस्ड है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा इनमें से तो यहाँ पे हम हाँ बात करें कि इसका आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए समझते हैं सबसे सब पहले यहाँ पे हो गया रहा है एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा गया है और उसके बाद में देखिए कलर्स के नाम से यहाँ पे क्या है एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ये जो है इसके अंदर वैल्यू है ये पूरी एक क्या है लिस्ट है इसके बाद में देखिए यहाँ पर एंड के नाम से एक वेरिएबल है और यहाँ पर इक्वल करके क्या करा गया है यहाँ पर लिखा गया है रैंडम डॉट रैंड रेंज मतलब कि रैंड रेंज फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया गया है और रैंड रेंज में रेंज क्या दिए टू और उसके बाद में लिखा गया है प्लस थ्री तो यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या बनेगी तो देखिए जो रैंड रेंज है इसमें क्या होगा दो ही वैल्यू हो सकती है या तो जीरो होगी या फिर जो है आपकी वन होगी क्योंकि यहाँ पे रैंड रेंज में जो है वो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है तो यहाँ पे या तो जीरो रहेगा या फिर वन रहेगा दो ही पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री मतलब कि एंड की वैल्यू थ्री हो जाएगी अगर यहाँ पे ये यह जीरो पिक करता है तब तो एंड की वैल्यू थ्री हो जाएगी और अगर यहाँ पे वन पिक करता है तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस थ्री मतलब फोर तो फोर या फिर थ्री यही वैल्यू हो सकती है किसकी एंड की ये दो पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि एंड की यहाँ पे हो सकती हैं अब अगर हम बात करें बिगिन की तो बिगिन के अंदर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है देखिए यहाँ पे भी रेंट रेंज लगा हुआ है मतलब कि यहाँ पे भी लिखा गया है रेंट रेंज और रेंट रेंज फंक्शन में दिया गया है एंड कि जो भी एंड की वैल्यू हो थ्री हो तो थ्री आ जाएगी यहाँ पे और अगर फोर होती है तो यहाँ पे फोर आ जाएगी तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज बन जाएगी तो अभी के लिए फिलहाल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एंड की वैल्यू फोर हम मान लेते हैं कि एंड की वैल्यू जो है वो आपकी फ़ोर है तो फोर के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा और फोर के केस में यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या बन सकती हैं यहाँ पे जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है या फिर आपका थ्री हो सकता है मतलब कि ये पॉसिबल वैल्यू जो है रेंड रेंज पे कर सकता है तो अगर आपका जीरो करेगा तो क्या होगा जीरो प्लस वन वन हो जाएगा या फिर वन पिक करता है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा और टू पिक करता है तो हो जाएगा टू प्लस वन मतलब कि थ्री और थ्री पिक करता है तो हो जाएगा आपका थ्री प्लस वन मतलब कि फोर तो यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है वन और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फोर तो मतलब कि यहाँ पे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर यही वैल्यू हो सकती है मतलब कि इनमें से ही कोई सी वैल्यू बिगिन में रहेगी तो हम मान लेते हैं बिगिन की वैल्यू वन यहाँ पे जो है वन मान लेते हैं और एंड की वैल्यू हमने मान ली है फोर तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे देखिए लूप लगा हुआ है रेंज क्या बनेगी यहाँ तो आ जाएगा वन और यहाँ पे आ जाएगा फोर तो वन को फोर का मतलब हुआ यहाँ पे वन टू एंड थ्री ये जो वैल्यू है वो आपके आई वाले वेराबल के पास में जाएंगी तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई के पास में जाएगा वन तो वन का मतलब है यहाँ पे भी वन आ जाएगा तो कलर्स वाले का वन इंडेक्स मतलब कि इंडिगो आ जाएगा और इंडगो के साथ में क्या प्रिंट होगा एंड लगा रखा है यहाँ पे तो एंड प्रिंट होगा तो देखिए इंडगो एंड यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आपको इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई के पास में टू वैल्यू जाएगी टू का मतलब यहाँ पे भी टू आ जाएगा और टू का मतलब है सेकंड इंडेक्स मतलब कि ये वाला इंडेक्स तो क्या हो जाएगा ब्लू एंड एंड यहाँ पे देखिए एंड आ रहा है इसके बाद में देखिए थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू थ्री होगी आई की और थ्री का मतलब है यहाँ पे भी थ्री आ जाएगा तो इसका मतलब है थर्ड इंडेक्स तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ जो ए वाला आउटपुट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ये पॉसिबल आउटपुट बनेगा आपका इस वाले कोड से तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा और कोई जो आउटपुट है वो आपका नहीं बनेगा आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख सकते हो और कोई आउटपुट नहीं बनेगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए आउटपुट जो है वो कैसे आ रहा है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न मतलब कि जो रीड लाइन्स मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है तो पहला ऑप्शन है एस मतलब कि स्ट्रिंग को रिटर्न करता है सेकंड है आपका अ लिस्ट ऑफ लाइंस मतलब कि लाइंस की लिस्ट को रिटर्न करता है या फिर जो है वो रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ सिंगल करेक्टर और या फिर जो है डी वाला ऑप्शन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर मतलब कि इंटीजर्स की लिस्ट को वो रिटर्न करता है तो यहाँ पे बताइए बच्चों क्या करेक्ट आंसर इसका होगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अ लिस्ट ऑफ लाइन्स मतलब कि लाइन्स की लिस्ट रिटर्न करता है हमारा रीड लाइन्स मेथड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तो यहाँ पर पूछा गया है वॉट इज पिकलिंग मतलब कि जो पिकलिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है तो पहला ऑप्शन है इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन सेकेंड है इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिसन और थर्ड है नन ऑफ द मैंशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द मैंशन तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तो क्वेश्चन नंबर क्या है विच फंक्शन इज टू राइट ऑल द इन टेक्स्ट फाइल मतलब कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि सारे करेक्टर्स को जो है टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है तो ऑप्शन राइट या फिर जो है सेकेंड वाला राइट करेक्टर्स थर्ड आपका राइट ऑल और फोर्थ है आपका राइट कैर तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट राइट की हेल्प से जो है हम सारे करेक्टर को एक ही बार में राइट करते हैं टेक्स्ट फाइल में अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है और इस कोड को स्टडी करने को आपको बोला गया है कि इसको स्टडी करने के बाद में आपको बताना है कि करेक्ट आउटपुट क्या होगा यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वाला आउटपुट यहां पे आएगा तो ये जो है आपको बताना है तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की इसका आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा बी पी क्यू आर एस अब ये क्यों आएगा देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका गलत आंसर लगा देंगे ए उन्हें लगेगा कैपिटल में आएगा क्योंकि यहां पे जो है अपर फंक्शन यूज हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है देखिए यहां पे जो है हम अपर जरूर कर रहे हैं लेकिन प्रिंट किसको कर रहे हैं एक्स को कर रहे हैं, हैं। देखिए हमने जो है प्रिंट किसको करा है के बाहर को प्रिंट तो एक्स की वैल्यू ये है और यहां पे जो हम अपर कर रहे हैं वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है तो इसीलिए जो है ये आपके लुभ के अंदर ही रह रहा है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा मतलब कि पी क्यू आर एस स्मॉल में आएगा क्योंकि यहां पे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखिए क्या बोला गया है व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज मतलब कि किसी कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में पहला ऑप्शन है इंडेंटेशन सेकंड है ले थर्ड है क्लास और फोर्थ है इंटिटीज तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इंडेंटेशन यहाँ पे जो है हम ब्लॉक को इंडेंटेशन की हेल्प से डिफाइन करते हैं आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है मतलब कि कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, है. यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप बचे हैं वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं तो ध्यान से इनको आप लोग समझना तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो है कंसिडर करना है इस कोड को यहाँ पर देखिए दो डिक्शनरी दे रखी हैं तो इनको कंसिडर करना है और उसके बाद में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है रमेश नीड टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक फ्रॉम क्राइम टू क्राइम थ्रिलर मतलब क्या हुआ जो डिक्शनरी या बुक वाली इसमें जो टाइटल है क्राइम वाला इसको वो चेंज करना चाहता है इसको चेंज करके वो उसे करना है क्राइम थ्रिलर तो इसको वो कैसे करेगा तो इसको करने के लिए देखिए उसने कोड लिखा है उसने ये कोड लिखा है बुक लिखा है मतलब कि डिक्शनरी का नेम लिखा है और यहाँ पे क्राइम लिख दिया है और इसके बाद में जो है इसने असाइन कर दी है वैल्यू क्राइम थ्रिलर मतलब कि ये जो वैल्यू है इसके जगह पे वो वैल्यू ये करना चाहता है तो इस तरीके से वो इसको असाइन कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो है उसका ये काम नहीं हो पा रहा है मतलब कि जो टाइटल है वो उसका चेंज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे जो है वो क्या गलती कर रहा है मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या करेक्ट कोड होगा मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अब बी वाला क्यों होगा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने लिख दिया है क्राइम तो क्राइम तो वैल्यू है तो हमें वैल्यू की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमें चेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ की मतलब की क्या है थ्री तो हमें यहाँ पे की को देना पड़ेगा कि थ्री वाली जो की है उसमें वैल्यू क्या चेंज कर दो क्राइम थ्रिलर कर दो तो इस तरीके से हम असाइन करेंगे यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ है तो ये हमारा गलत होगा टू भी नहीं रहेगा और यहाँ पे भी टू है ये गलत है और यहाँ पे देखिए वैल्यू आपके इस फॉर्म में दी जा रही है तो ये भी गलत है मतलब कि टपल फॉर्म में जो हम वैल्यू नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पे बेस तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द कमांड टू मर्ज डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी मतलब कि लाइब्रेरी वाली जो डिक्शनरी है उसके साथ में अगर आपको बुक वाली डिक्शनरी को मर्ज करना है तो कमांड क्या रहेगी तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है ये वाला ऑप्शन बी है इस तरीके से और ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो बताइए कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हम लिखेंगे लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक मतलब कि जो बुक वाली डिक्शनरी है उसको हमें अपडेट करना है किसमें लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में अगर जो यहाँ पे दे रखा होता कि लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी को बुक में ऐड करना है तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होता लेकिन यहाँ पे जो है बोला गया है कि बुक वाली डिक्शनरी को लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में ऐड करना है मतलब कि लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में जो है मर्ज करना है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड मतलब कि यहाँ पे जो कोड लिखा गया है इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखिए इस कोड की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट आएगा डी मतलब कि यहाँ पे जो की है डिक्शनरी की वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जो है लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी को प्रिंट किया गया है तो यहाँ पे देखिए इसकी की क्या है फाइव एंड सिक्स तो ये की आ जाएंगी और इसको देखिए लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करा गया है तो यहाँ पे ये लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट आएगा तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इसी भी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इन ऑर्डर टू चेक वेदर द की टू इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी बुक मतलब कि जो रमेश है वो चेक करना चाहता है कि जो डिक्शनरी है बुक वाली उसमें टू की जो है वो है या नहीं है तो उसने इस चीज को चेक करने के लिए ये कोड लिखा है उसने इस तरीके से लिखा है टू इन बुक इस तरीके से कोड लिखा है तो उसे जो आउटपुट मिल रहा है इसका वो ट्रू मिल रहा है मतलब कि जो टू है वो यहाँ पे देखिए इस डिक्शनरी में है तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है अब वो चाहता है मद्रास डायरीज को चेक करना मतलब कि जो मद्रास डायरीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको चेक करना चाहता है लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में मतलब कि जो लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी है उसमें वो चेक करना चाहता है कि जो मद्रास डायरीज़ है वो है या नहीं है तो उसने क्या करा इस काम को करने के लिए यहाँ पे कोड लिख दिया है मद्रास डायरीज इन लाइब्रेरी तो इस केस में जो है उसे आउटपुट मिल रहा है फॉल्स अब ये फॉल्स क्यों मिल रहा है ये चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे फॉल्स आने का मेन रीजन क्या है तो so, ऑप्शन आपके सामने ये कि पहला रीज़न यह है वी कैन नॉट यूज़ द फंक्शन विद वैल्यूज इट कैन बी यूज विद द कीज़ ओनली पहला रीजन ये दे रखा है सेकेंड रीजन है वी मस्ट यूज़ द फंक्शन लाइब्रेरी डॉट वैल्यूज़ अलॉन्ग विद द इन ऑपरेटर मतलब कि जो हमारा इन ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया इसके साथ में हमें वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट है वी कैन यूज़ लाइब्रेरी डॉट आइटम्स फंक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ द इन ऑपरेटर मतलब कि इन ऑपरेटर की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी डॉट आइटम फंक्शन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इसका आंसर होगा वो होगा बी और सी मतलब कि ये दोनों ही तरीके जो हैं सही हैं तो यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मतलब कि यहाँ पे जो मद्रास डायरीज है ये क्या है वैल्यू है तो वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा वैल्यूज फंक्शन लगाना पड़ेगा इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा तभी जो हम वैल्यू को चेक कर पाएंगे कि डिक्शनरी में है या नहीं है तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा फिर ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेन रीजन है वो ये है कि हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं लगाया है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इसी बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कोड दे रखा है एक कोड बना है और एक कोड टू है तो इन दोनों कोड को आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है यहाँ पे जो है इनका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा पहला ऑप्शन ये है देखिए इस तरीके से और सेकंड ऑप्शन ये यह है यहाँ पे इस तरीके से थर्ड ऑप्शन ये है ठीक है और फोर्थ ऑप्शन ये है मतलब कि कोड वन के जो आउटपुट हम वो ये दे रखे हैं और कोड टू के जो आउटपुट हम वो यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं तो इसकी अगर हम बात करें इसका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लाइब्रेरी इक्वल बुक करा गया है मतलब कि जो बुक है वो किस में आ जाएगा लाइब्रेरी में ठीक है इस तरीके से हो गया तो यहाँ पे हमने करा है लाइब्रेरी डॉट पॉप टू तो मतलब क्या हुआ बुक वाली जो डिक्शनरी है वो हमारी लाइब्रेरी में आ चुकी है तो अब क्या होगा यहाँ पे पॉप टू का मतलब है कि जो यहाँ पे टू वैल्यू है टू वाली जो की है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी मतलब कि ये जो है यहाँ से पॉप हो जाएगी मिस्ट्री तो इसका मतलब क्या हुआ इस वाली डिक्शनरी में ये आइटम रह गया ये आइटम रहेगा और ये वाला आइटम रहेगा मतलब कि तीन आइटम यहाँ पे रह जाएंगे जो टू वाली की वाला आइटम है वो हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा इसके बाद में देखिए इसको प्रिंट करा गया है लाइब्रेरी को प्रिंट करा गया है और फिर जो है बुक को प्रिंट करा गया है तो यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस हम लाइब्रेरी वाले में करेंगे वही हमारा किस में होगा बुक वाले में भी होगा तो सिंपल सी बात है इसका आउटपुट कौन सा बनेगा इसका जो आउटपुट बनेगा वो ये बनेगा मतलब कि कोड बन का आउटपुट तो आपका ये वाला बन जाएगा इस तरीके से आउटपुट हमारा करेक्ट हो गया देखिए यहाँ पे थ्रिलर रह गया था तो ये आ गया मिस्ट्री हमारा गायब हो चुका है तो क्राइम वाला आ गया और इसके बाद में देखिए चिल्ड्रन स्टोरीज वाला आ गया अब बात करें इस कोड की तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ट्रू कॉपी क्रिएट की गई है बुक वाली डिक्शनरी की तो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या जाएगी ट्रू कॉपी आ जाएगी तो जो भी लाइब्रेरी में चेंज करा जाएगा वो हमारा बुक वाले में इफेक्ट नहीं होगा तो लाइब्रेरी से हमने क्या करा है पॉप करा है टू मतलब कि यहाँ पे ये पॉप हो जाएगा मिस्ट्री वाला ठीक है इस तरीके से पॉप हो जाएगा क्योंकि ये लाइब्रेरी में आ चुका है तो यहाँ से पॉप हो जाएगा और इसके बाद में देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी को प्रिंट करा है तो लाइब्रेरी को जब प्रिंट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला और इसके बाद में ये आएगा और ये आएगा मतलब कि ये तीन एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद में हमने प्रिंट करा है बुक को मतलब कि जो बुक वाली डिक्शनरी है उसको प्रिंट करा है तो ये वाली जो डिक्शनरी है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो ये जो है आपकी ऐसे ही पूरी आ जाएगी तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले प्रिंट हो रही है कौन सी लाइब्रेरी वाली तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है आउटपुट और इसके बाद में देखिए बुक वाली प्रिंट हो रही है तो उसके देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहा है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो ये भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए इतना सारा लिखा हुआ है तो इसको देख के आप लोग घबराना मत बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको समझते हैं और हो सकता है यहाँ पे जो है आपको फोन थोड़ा कम दिख रहा हो तो यहाँ पे जो है मैंने साइज़ को जानबूझ के कम किया है वरना ये जो क्वेश्चन है वो एक पेज पे नहीं आ पाता तो इसीलिए इसका साइज़ जो है मैंने थोड़ा कम कर दिया है तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अमिता सेठ जो है वो एक प्रोग्रामर है और उसको टास्क दिया गया है एक पैथन कोड को लिखने का मतलब कि उसको एक वायदी फाइल में जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उसको बोला गया है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो फंक्शन की हेल्प से करने हैं तो यहाँ पे जो है फंक्शन बताए गए हैं कि एक फंक्शन जो है एड स्टूडेंट के नाम से लिखना है जो क्या करेगा एक वायनदी फाइल को क्रिएट करेगा और वहाँ पर जो है स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट करेगा क्या क्या करेगा रोल नंबर करेगा नेम करेगा मार्क्स करेगा और जो मार्क्स करेगा वो आपके हंड्रेड में से एक्सेप्ट करेगा इसके अलावा दूसरा फंक्शन बोला गया है गेट स्टूडेंट्स के नाम से ये लिखना है और यहाँ पर क्या करना है डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का नेम और परसेंटेज और परसेंटेज उन स्टूडेंट की डिस्प्ले करनी है जिनकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन है सेवेंटी फाइव तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कराना है और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो उसे जो है कोई अप्रोप्रिएट मैसेज को डिस्प्ले कराना है तो इस काम के साथ साथ जो है ये जो फंक्शन होगा वो डिस्प्ले करे एवरेज परसेंटेज को भी तो यहाँ पे जो अमृता है उसने इस काम को कर लिया है मतलब कि यहाँ पे जो है उसने पाइथन का कुछ पार्शियल कोड लिख लिया है मतलब पूरा नहीं लिख पाया है लेकिन कुछ जो कोड है वो उसने लिख लिया है और कुछ लाइन जो है वो वहाँ पे इसने कमेंट कर दी हैं जो जो उससे नहीं हुआ है उसको उसने कमेंट कर दिया है तो आप जो है एक पाइथन के एक्सपर्ट हैं और आपको जो है बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट आएंगे उसको जो है आपको बताना है तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये कोड जो है वो उसने लिख दिया है तो इस पर बेस अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू ओपन द फाइल स्टूडेंट डॉट डेट फॉर राइटिंग ओनली इन वाइन मतलब कि जो स्टूडेंट वाली फ़ाइल है उसको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में ओपन करना है हमें तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा जो कि हमारा कोड में मार्क किया गया हैश वन के नाम से तो हैश वन के नाम से अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट है तो यहाँ पे जो है हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा फाइल को ओपन करने के लिए बाइनरी मोड में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एफ इक्वल ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया है और यहाँ पे मोड दे दिया है डब्ल्यू बी तो मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्लू मोड में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने बी नहीं लिखा है तो बाइनरी के लिए बी लिखना जरूरी होता है इसी तरीके से बी प्लस भी नहीं रहेगा क्योंकि ये जो हमारा रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए हो जाएगा इसी तरीके से डब्ल्यू प्लस भी नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू राइट लिस्ट एल मतलब कि जो लिस्ट एल है हमारे पास में यहाँ पर देखिए रही लिस्ट एल तो इसको बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए क्या कमांड रहेगी तो यहाँ पर देखिए हैश टू करके मार्क करा गया इस स्टेटमेंट इस्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखना है तो कौन सा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ये रहे तो ऑप्शनस की बात करें अगर हम यहाँ पर तो पहला है पिकल डॉट .right, राइट तो ये वाला नहीं होगा इसके बाद में अगर हम बात करें पिकल डॉट .right, राइट तो ये वाला भी नहीं होगा एंड नेक्स्ट है सी पिकल डॉट डम्प एल कॉमा एफ तो ये वाला जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखिए एल जो हमारी लिस्ट है और एफ जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एफ नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा हमारी जो लिस्ट है वो राइट हो जाएगी वाइनरी फाइल में तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अब इसी भी बेस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड ईच रिकॉर्ड फ्रॉम वाइनरी फाइल मतलब की ये जो फाइल हमारी स्टूडेंट वाली इसमें से जो है हमें सभी रिकॉर्ड को रीड करना होगा तो कौन सी कमांड हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ये हैं ऑप्शंस तो इनमें से कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी तो ये कौन से ऑप्शन में लिखना है मतलब कि यहाँ पे हमें लिखना है जो हैश से लिखा हुआ है यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को लिखना है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर इक्वल पिकल डॉट लोड तो लोड मेथड की हेल्प से जो हम इस काम को करते हैं और यहाँ पे देखिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट डाल दिया फाइल ऑब्जेक्ट हमारा एफ़ के नाम से था तो ये हमने डाल दिया है देखिए रीड के नाम से भी नहीं होगा ये भी गलत है यहाँ पे भी रीड दे रखा है और यहाँ पे देखिए लोड में दो वेरिएबल हैं मतलब कि यहाँ पे आर और एफ दे रखा है तो इस तरीके से भी नहीं होगा तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड मतलब कि जो फाइल का एक्सेस मोड होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है तो पहला है आर प्लस जो मोड होता है वो फाइल को ओपन करता है रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में और साथ ही साथ जो पॉइंटर होता है उसको बिगनिंग पे रख देता है इसके बाद में अगर हम बात करें बी स्टेटमेंट की तो यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यू प्लस मोड जो है वो ओपन करता है फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में और यहाँ पे जो है क्या होता है डेटा ऐड हो जाता है फाइल के एंड में अगर जो है आपकी फ़ाइल ऑलरेडी है और अगर नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड वाले की तो इसमें दे रखा है डब्ल्यू भी जो मोड होता है वो ओपन करता, करता है फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में मतलब कि इसकी हेल्प से हम रीड भी कर सकते हैं फाइल को और राइट भी कर सकते हैं और यहाँ पर डेटा क्या होता है ओवर हो जाता है अगर आपकी फाइल ऑलरेडी है बनी हुई और अगर बनी हुई नहीं है तो क्या होती है वहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है इसी तरीके से डी वाले में देखिए दे रखा है कि ए मोड जो होता है वो ओपन करता है फाइल को अपेंडिंग मोड में और यहाँ पर जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका स्टार्टिंग में रहता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन सारे स्टेटमेंट में जो है पहला वाला ही आपका करेक्ट है कि यहाँ पे जो आर प्लस मोड होता है वो फाइल को दोनों ही मोड में ओपन करता है रीडिंग और राइटिंग मोड में मतलब कि रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो और जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका कहाँ होता है बिगनिंग में होता है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बाकी सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हैं तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मैथड मतलब कि जो सीक मैथड होता है उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बता रहा है तो पहले वाले की अगर हम बात करें ये बोल रहा है टेज द करंट पोजिशन विद इन द फाइल मतलब कि जो फाइल पॉइंटर होता है इसकी ये करंट पोजिशन बताता है इसके बाद में बी वाले की बात करें तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन करता है कि जो आपका फाइल पॉइंटर है वो आपका मूव होगा या नहीं होगा मतलब कि फाइल की पोजिशन मूव होगी या नहीं होगी ये जो है ये डिटरमाइन करता है इसके अलावा अगर हम बात करें सी वाले की तो बोल रहा है इंडिकेट्स दैट नेक्स्ट रीड और राइट अकर फ्रॉम दैट पोजिशन इन अ फाइल मतलब कि यह पोजिशन बताता है कि कहाँ से जो है रीड और राइट होगा इसके अलावा लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो बोल रहा है मूव्स द करंट फाइल पोजीशन टू अ गिवन स्पेसिफाइड पोजीशन मतलब कि फाइल की करंट पोजीशन से किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे जो है ये चेंज कर देता है फाइल पॉइंटर को तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मतलब कि जो हमारा सीख फंक्शन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फाइल पॉइंटर को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि जो रोहित है वो क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, है मतलब कि क्लास ट्वेल्थ में है और वो जो है सीख रहा है सी एस पी फाइल मॉड्यूल को मतलब कि सी एस पी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है तो उसे जो है एग्जाम में एक इनकम्प्लीट कोड दिया गया है जिसकी हेल्प से क्या होगी सी एस पी फाइल क्रिएट होगी मतलब कि कुछ ऐसी फाइल जो है वहाँ पर क्रिएट होगी तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कोड दिया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि जो इनकम्प्लीट कोड है वो किस तरीके से कम्प्लीट किया जाएगा मतलब कि जहाँ जहाँ भी ब्लैंक है वहाँ वहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स आएंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर बेस फर्स्ट क्वेश्चन की तो बोला गया है इस फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट बन मतलब कि जो स्टेटमेंट बन है यहाँ पे क्या आएगा तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे पहला आएगा सी एस व्यू फाइल सेकेंड आएगा सी एस बी थर्ड है आपका सी एस बी मतलब कि सेकेंड वाला कैपिटल में है और थर्ड वाला जो है वो आपका स्मॉल में है और फोर्थ वाला जो है उसमें सी कैपिटल है बाकी आपका स्मॉल में है तो यहाँ पे क्या आएगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें से जो है हमारा सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे जो हम स्मॉल में सी को लिखेंगे सी एस मॉडल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी सी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट टू मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू है यहाँ पे क्या फिल होगा देखिए पहला यहाँ पे इस्कूल डॉट सी एस बी और यहाँ पे जो है राइटिंग मोड लगा हुआ है इसके बाद में स्टूडेंट डॉट सी एस बी फिर राइटिंग मोड लगा हुआ है फिर स्टूडेंट डॉट सी एस बी रीडिंग मोड है और फिर है स्कूल डॉट सी एस बी और यहाँ पे भी रीडिंग मोड लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी वाला क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फाइल अब स्टूडेंट के नाम से है और इसको जो है यहाँ पे राइटिंग मोड में ओपन किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हम फाइल को राइट करने के पर्पज़ से ओपन कर रहे हैं तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर थ्री की तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इस पर वे बो क्या है चूज़ द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट थ्री मतलब कि जो स्टेटमेंट थ्री है यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा तो ऑप्शन ये रहे तो यहाँ पे जो है पहला है रीडर और उसके बाद में एफ एच एफ एच क्या है यहाँ पे देखिए जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो है इसके बाद में फिर रीडर है और इसके अंदर है माई फाइल फिर है यहाँ पे राइटर एफ एच और इसके बाद में राइटर माई फाइल तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राइटर एफ एच क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एफ एच है वो हमारा क्या है यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट का लगना जरूरी है मतलब कि यहाँ पे राइटर आ जाएगा इसकी हेल्प से ही हम फाइल को राइट कर पाएंगे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको राइट कर पाएंगे तो इस तरीके से जो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया मतलब है आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट फोर मतलब कि जो स्टेटमेंट फोर है यहाँ पे इसमें जो है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट फॉर्म हो रही है तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं रोल नंबर डाल रहे हैं तो रोल नंबर आ गया फिर नेम डाल रहे हैं तो नेम आ गया और इसके बाद में देखिए क्लास डाल रहे हैं तो क्लास आ गया फिर इसके बाद में देखिए सेक्शन डाल रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन आ गया तो इस तरीके से जो है ये यह हमारे यहाँ पे रहेंगे तो इसीलिए इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट फाइव मतलब कि जो स्टेटमेंट फाइव है यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है स्टोर राइटर और उसके बाद में देखिए ब्लैंक स्पेस दे रखा है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट रो राइट रो की हेल्प से जो है यहाँ पे हम डेटा को राइट करेंगे क्योंकि हमें जो है मल्टीपल रोज़ को यहाँ पे राइट करना है तो इसीलिए यहाँ पे राइट रोज फंक्शन का यूज़ होगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों आएगा तो यहाँ तक जो हमने एक सेट कम्प्लीट कर लिया है अब जो हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे तो चाहे तो आप जो है बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद में जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए जो है दूसरे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट नेम गिवेन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज मतलब कि जो डिफरेंट नेम हम देते हैं प्रोग्राम में जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट होते हैं प्रोग्राम के उनको डिफरेंट नेम देते हैं तो वो क्या होते हैं ऑप्शन ए है आइडेंटिफायर बी है लिटरल सी है कीवर्ड्स और डी है ऑपरेटर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आइडेंटिफायर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग लिटरल मस्ट बी टर्मिनेट इन वन लाइन मतलब कि कौन से जो ऐसे लेटरल्स होते हैं जो कि आपके वन लाइन में टर्मिनेट होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी वन लाइन में टर्मिनेट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द सिंबल यूज फॉर कंपटीशन और लॉजिकल कंपैरिजन इन अ प्रोग्राम मतलब कि ऐसे जो सिंबल्स होते हैं जिनको कि हम लॉजिकल कंपैरिजन या फिर कंपटीशन के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं तो सिंपल सी बात है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑपरेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें पूछा गया है इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस आफ्टर डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल इज़ यूज मतलब कि डिवीजन के बाद में जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती हैं उसको अगर आप नेगलेक्ट करना चाहते हैं उसको हटाना चाहते हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके सामने ये रहा है पहला जो ऑप्शन है वो आपका देखिए ए है ये वाला हमारा है यहाँ पर जो है मैंने गलत तरीके से लगा दिया इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं एक नट अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा स्लैश लगेगा फॉरवर्ड स्लैश या फिर जो है दो मल्टीप्लाई का साइन लगेंगे या फिर जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश लगेगा और या फिर जो है हमारा मॉडल का साइन लगेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फ्लोर डिवीजन का जो है हम सिंबल यूज़ करते हैं जो कि हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंबल यूज़ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको सही कर लेना तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पंचुएटर्स मतलब कि प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं पंचुएटर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो इसमें पूछा गया है इन पाइथन द मल्टीलाइन कमेंट्स स्टार्ट्स विद मतलब कि पाइथन में जो मल्टीलाइन कमेंट होते हैं वो आपके किससे स्टार्ट होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ट्रिपल कोटेशन मार्क कमेंट जो है स्टार्ट होते हैं मतलब कि जो मल्टीलाइन कमेंट है वो हमारे ट्रिपल कोटेशन मार्क से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है डैश एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द स्टेटमेंट इन पाइथन मतलब कि क्या एडिशनल इन्फॉमेसन होती है जिससे कि जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है मतलब कि किसी बारे में हमें कोई इन्फॉमेशन देनी हो तो हम क्या ऐड करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी कमेंट कमेंट जो है हम लगाते हैं जिससे कि जो है प्रोग्राम पता कर पाए कि जो प्रोग्राम है वो किस बारे में या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो लिखा गया है प्रोग्राम में वो किस बारे में लिखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो इसमें पूछा गया है आपसे ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड अ ब्लॉक आर इंडेंटेड एट द सेम लेवल मतलब कि जो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एक ब्लॉक में जो है सेम इंडेंट पे होते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ट्रू एंड फॉल्स और इसके अलावा दे रखा है नॉट नेसेसरली एंड इसके अलावा डी ऑप्शन है डिपेंड ऑन द यूजर्स चॉइस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रू ये जो बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वाइड फॉर द इनपुट फंक्शन रिटर्न मतलब जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है तो ऑप्शन है स्ट्रिंग बुलियन या फिर फ्लोट या फिर इसके अलावा इंटीजर मतलब किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर विल एवेल्युएट फर्स्ट मतलब यहाँ पर जो है ऑपरेटर दे रखे हैं पहला एंड सेकेंड और, और सी है यहाँ पर नॉट यहाँ पे फोर ऑप्शन मैंने दिया है तो इसको आप मान सकते हैं नन ऑफ तीज तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नॉट नॉट ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले एवेल होगा क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी विल बी इंटरप्रेटेड इन पाइथन तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से रीड करेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी इस तरीके से यहाँ पर हम जो है इसको रीड करेंगे मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंड ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है तो पहले स्टेटमेंट की हम बात करें इसमें लिख रखा है पाइथन ऑनली एवेल्यूएड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ़ द फर्स्ट वन इज़ फॉल्स मतलब कि एंड ऑपरेटर में सेकंड वाला तभी इवेल्यूट होगा जब फर्स्ट वाला फॉल्स होगा सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है पाइथन एवेल्यूएट ट्रू इफ एनी वन आर्ग्यूमेंट इज़ ट्रू तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले की तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे अगर पहला वाला हमारा फॉल्स होता है तो सेकंड वाले पे वो जाता ही नहीं है और सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा तो ये भी बात गलत है एंड में हमारे दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी हमें जो फाइनल आउटपुट ट्रू मिलता है नेक्स्ट की अगर हम बात करें सी वाले की तो इसमें बोला है पाथन ओनली एवेलुएट द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ़ द फर्स्ट वन इज़ ट्रू मतलब कि सेकेंड वाले को तभी वैल्यूएट करेगा जब फर्स्ट वाला हमारा ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाले की अगर हम बात करें पायथन ओनली एवेलुएट फॉल्स इफ़ एनी वन आर्ग्यूमेंट इज़ फॉल्स मतलब दोनों में से जो है एक भी अगर आपको फॉल्स होता है तो यहाँ पे फॉल्स आता है तो ये भी ठीक हो सकता है लेकिन यहाँ पे अगर हमारा पहला वाला ट्रू होता है तो सेकंड वाले को भी वैल्यूएट करता है मतलब कि सेकंड वाले को भी यहाँ पे चेक करेगा अगर फर्स्ट वाला ट्रू होगा लेकिन फर्स्ट वाला ही फॉल्स हो जाएगा तो सेकंड वाले को चेक ही नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर आंसर बन रहा है वो सी बन रहा है तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है विच पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड लिस्ट मतलब कि स्ट्रिंग और लिस्ट के बीच में जो है क्या डिफरेंस होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला है लेंथ सेकेंड है म्यूटेबिलिटी और थर्ड है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट और फोर्थ है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मतलब कि स्ट्रिंग और लिस्ट को क्या डिफरेंस करता है मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में तो सबसे बड़ा डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी का म्यूटेबिलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब बी वाला जो करेक्ट होगा क्योंकि स्ट्रिंग जो वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं और जो हमारी लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर फोटीन क्या है इन लिस्ट स्लाइसिंग नेगेटिव इंडेक्स मतलब कि माइनस वन रेफर्स टू तो माइनस वन जो है वो इंडिकेट किसको करता है लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट को करता है सेकंड एलिमेंट को करता है या लास्ट एलिमेंट को करता है या फिर जो है सेकंड एलिमेंट को करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मतलब कि जो माइनस वन होता है वो सबसे लास्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में दे रखा है द अपैंड मैथड एड्स एन एलिमेंट एड मतलब कि जो अपैंड मैथड होता है वो एलिमेंट को कहाँ पर एड करता है लिस्ट में तो ऑप्शन हैं पहला है आपका फर्स्ट सेकेंड है स्पेसिफाइड इंडेक्स और थर्ड है लास्ट एंड फोर्थ है एट एनी लोकेशन मतलब कि अपेंड मेथड जो है वो एलिमेंट को कहाँ पे अपेंड करेगा एट कहाँ पे करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी लास्ट क्योंकि अपेंड जो मेथड होता है वो वाइट डिफॉल्ट कहाँ करता है लास्ट में एड करता है एलिमेंट्स को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट मतलब कि लिस्ट में से अगर हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन दे रखे हैं पहला है डेल सेकेंड है डिलीट तो देखिए डैल और डिलीट दोनों के नाम से कोई फंक्शन नहीं होता मतलब कोई भी मेथड इस तरीके का नहीं होता है जो कि लिस्ट के साथ में वर्क करे डेल स्टेटमेंट ज़रूर होता है लेकिन डेल के नाम से कोई फंक्शन या फिर मेथड नहीं होता है तो यहाँ पे जो सर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉप पॉप मेथड जो है यूज़ होता है लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सटेंड मेथड मतलब कि जो एक्सटेंड मेथड होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट है एड्स एलिमेंट एट द लास्ट मतलब कि ये जो है एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है सेकेंड है एड्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स मतलब कि ये जो एलिमेंट को स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इंसर्ट करता है या ऐड करता है नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है एड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द लास्ट मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है लास्ट में ऐड करता है और फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है एड्स एलिमेंट एट रैंडम इंडेक्स मतलब कि रैंडम इंडेक्सेस पे जो है वो एलिमेंट को ऐड करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ये जो है मल्टीपल एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है लिस्ट के ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटी तो क्वेश्चन नंबर एटीन में पूछा गया है इफ़ देयर इज a function with many पैरामीटर and we want to specify only some of them in function call then value for such parameters can be provided by using their name instead of their position also known as मतलब कि अगर हमारे किसी फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर हैं तो वहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करना चाहें तो उनके नेम से जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं तो ऐसे पैरामीटर को जो हम क्या बोलते हैं तो ऑप्शन आपके सामने पहला है यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेकंड है पोजिशनल आर्गुमेंट थर्ड है यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट और फोर्थ है यूजर डिफाइंड आर्गुमेंट तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब कि हम नेम से जब डिफाइन करते हैं उनकी वैल्यू को मतलब कि उनको एक्सेस करते हैं तो इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नीड टू बी एडेड टू अवॉइड ब्लैंक रो फॉलोड फाइल ईच रो इन सी एस ई फाइल मतलब कि सी एस ई फाइल में जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जब हम कोई लाइन राइट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाती है मतलब कि लाइंस के बीच में एक ब्लैंक लाइन आ जाती है तो उसको अगर हमें हटाना होगा तो हम क्या पैरामीटर को ऐड करेंगे मतलब कि क्या आर्ग्यूमेंट वहाँ पर हम ऐड करेंगे ओपन फंक्शन के साथ में तो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है कॉट कैर सेकेंड है कोटिंग थर्ड है स्किप रो और फोर्थ है न्यू लाइन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी न्यू लाइन ये जो हम ऐड करते हैं ओपन फंक्शन के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो इसमें पूछा गया है टैक्स फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डैश करेक्टर मतलब कि जो टैक्स फाइल होती है वो जो हमारे इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करती है कौन से करेक्टर्स में स्टोर करती है तो ऑप्शन है यहाँ पे पहला है एस की सेकेंड है यूनिकोड और थर्ड हमारा ए एंड बी और फोर्थ है नन ऑफ दीज तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी मतलब कि टैक्स फाइल में जो है आपकी इन्फॉर्मेशन एस की कोड में भी हो सकती है या फिर यूनिकोड में भी हो सकती है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एंड ऑफ फाइल करेक्टर इन पाइथन मतलब कि जो एंड ऑफ फाइल करेक्टर होता है वो डिफॉल्ट क्या होता है तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके सामने ए है बैकवर्ड स्लैश एन बी है बैकवर्ड स्लैश टी सी है बैकवर्ड स्लैश आर और डी है बैकवर्ड स्लैश ई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैकवर्ड स्लैस एन ये जो हमारा डिफॉल्ट एंड ऑफ फाइल करेक्टर होता है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपसे आउटपुट पूछा गया है मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट पूछा गया है और आपके सामने जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं तो बोला गया है कि इनमें से जो है क्या आउटपुट होगा तो देखिए इसके अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसका करेक्ट आउटपुट जो है वो सी वाला होगा मतलब कि ये जो कोड है वो आपका इन्फिनाइटली ए को प्रिंट करता हुआ चला जाएगा यहाँ पर देखिए डॉट लगे हुए हैं तो इंडिकेट कर रहा है कि जो है हमारा इन्फिनाइट लो क्रिएट हो गया है तो बात करते हैं ये आउटपुट कैसे आएगा देखिए यहाँ पर एक्स है वेरिएबल और एक्स में क्या है एक स्ट्रिंग है इस तरीके से आई वेरिएबल और इसके अंदर भी हमारी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे देखिए वाइल लूप में बोला गया है वाइल आई इन एक्स और यहाँ पे जो है माइनस वन की इंडेक्सिंग दी गई है इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे हर बार मिलेगी मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा हर बार वैल्यू मिलेगी तो हर बार क्या होगा ए जो है प्रिंट होता चला जाएगा और यहाँ पर स्टॉप होने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो इस तरीके से क्या होगा कंटिन्यूसली हमारा ए प्रिंट होता चला जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी आउटपुट वाला क्वेश्चन है इसमें भी हमें जो है इस कोड का आउटपुट पूछा गया है और इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे जो इस तरीके से मैंने साइज छोटा कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन हैं इसके तो इन ऑप्शन में से पूछा गया है कि क्या आउटपुट इसका होगा तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आउटपुट जो है वो आपका ए हो वाला होगा क्यों होगा ये वाला देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल फिफ्टी है फिर तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और फंक्शन के अंदर देखिए एक आर्गूमेंट है एक्स के नाम से और यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल किया गया तो इसके अंदर एक्स को पास किया गया है तो मतलब क्या होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50 और 50 का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्रिंट हो जाएगा एक्सेस क्योंकि ये सिंगल कोड में ये ऐसी आ जाएगा मतलब कि एक्सेस आ जाएगा और इसके बाद में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 इसके बाद में देखिए एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई किया गया है मतलब कि एक्स इक्वल टू किया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी और इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होगा चेंज लोकल टू एक्स ये प्रिंट होगा और इसके बाद में एक्स की वैल्यू आएगी टू मतलब कि ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कोई भी जो है ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया गया है तो इसीलिए बाहर वाले जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया गया होता तो क्या होता ये जो वेरिएबल आपका एक्स वाला इसकी वैल्यू चेंज हो जाती तो इसीलिए इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब कि जो हमारा बाहर वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसकी वैल्यू जब बाहर प्रिंट की गई है इस तरीके से तो इसका आउटपुट जो है यही हमारा आ रहा है मतलब कि एक्स इज़ नाओ फिफ्टी ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ए वाला करेक्ट हो गया है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो इसमें भी देखिए इस कोर्ट का जो है हमसे आउटपुट पूछा गया है और इसके जो है ऑप्शन ये दे रखे हैं तो इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्यों सी होगा देखिए कोड को समझ लीजिए कोड में क्या है एक फंक्शन है हमारा और फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें पहले ए को प्रिंट किया गया है फिर बी को प्रिंट किया गया है और फिर जो है सी को प्रिंट किया गया है और उससे पहले ये मैसेज दिए गए हैं इस तरीके से यहाँ पे जो है मैसेज दिए गए हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन कॉलिंग की तो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल किया गया है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास गए हैं थ्री एंड सेवन तो थ्री चला जाएगा ए में और सेवन चला जाएगा बी में और सी की वैल्यू जो है ही रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इसीलिए हमारा आउटपुट आएगा ए की वैल्यू थ्री आएगी बी की वैल्यू सेवन आएगी और सी की वैल्यू टेन ही आएगी इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल किया गया तो यहाँ पर दिया गया ट्वेंटी फाइव और करा गया सी इक्वल ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फाइव तो चला जाएगा ए में और सी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी ट्वेंटी फोर और बी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा हमारा देखिए सेकेंड टाइम में आउटपुट आएगा ट्वेंटी फाइव क्योंकि हमारी ए की वैल्यू ट्वेंटी फाइव हो गई है और बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसलिए फाइव भी आ रही है और सी की वैल्यू हमने ट्वेंटी फोर कर दी थी इसीलिए यहाँ पर ट्वेंटी फोर आ रहा है बात करते हैं थर्ड टाइम की कॉलिंग की कि थर्ड टाइम फंक्शन को कॉल किया गया तो यहाँ पर करा गया है सी इक्वल फिफ्टी और ए इक्वल हंड्रेड मतलब कि सी की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी फिफ्टी और ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हंड्रेड और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो कोई भी चेंज नहीं होगी मतलब बी की वैल्यू फाइव ही रहेगी तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए हंड्रेड आ रही है बी की वैल्यू फाइव आ रही है और सी की वैल्यू जो है वो फिफ्टी आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की अगर हम बात करें हैं तो इसमें पूछा गया है वर्ड विल बी द आउटपुट मतलब कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा तो यहाँ पर देखिए एक टपल दे रखा है और टपल में ये वैल्यू दे रखी है और इसके बाद में देखिए यहाँ पर टपल में अपैंट फंक्शन को लगाया गया है और अपैंट में बोला गया है फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे इस तरीके से अपैंट करने की कोशिश की जा रही है तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा और इसके बाद में जो है यहाँ पे लेंथ को प्रिंट करा गया है तो बताइए यहाँ पे आउटपुट इसका क्या होगा तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई सा भी जो है आउटपुट नहीं होगा इसका जो है एरर आपको देखने को मिलेगा इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टपल जो है वो हमारा इम्यूटेबल होता है तो इसीलिए उसके अंदर हम अपेंड नहीं कर सकते आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं बी सेक्शन की जिसमें कि केस स्टडी बेस क्वेश्चन है तो यहाँ पे इनको डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए केस स्टडी बेस क्वेश्चन में क्या बोला गया है योर टीचर हैज गिवन यू अब मैथड स्लैश फंक्शन फ़िल्टर वर्ड मतलब फ़िल्टर वर्ड के नाम से एक फ़ंक्शन बोला गया है आपको और जिससे होगा क्या लाइन्स को रीड करा जाएगा फ़ाइल में से और फ़ाइल क्या है आपकी न्यूज़ लेटर डॉट टी एक्स टी ये जो हमारी फ़ाइल है तो यहाँ पे बोला गया है कि उन वर्ड को डिस्प्ले कराना है विच आर लेसर दैन फोर करेक्टर मतलब जिनकी लेंथ जो है फोर करेक्टर से कम है उनको आपको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे जो है टीचर ने इंटेंशनली कुछ मिस्टेक कर दी है मतलब कुछ स्टेटमेंट खाली छोड़े हैं उन स्टेटमेंट को आपको फ़िल करना है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से लेकर क्वेश्चन नंबर थर्टी तक आपको आंसर करने हैं तो बात करते हैं यहाँ पे कोड की देखिए ये जो कोड दे रखा है और इस कोड में देखिए स्टेटमेंट दे रखा है स्टेटमेंट वन दे रखा है स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट फोर और स्टेटमेंट फाइव इस तरीके से पाँच जगह यहाँ पर खाली जगह छोड़ी गई है तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तो इसमें क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है राइट मोड ऑफ ओपनिंग फाइल इन स्टेटमेंट वन मतलब कि जो स्टेटमेंट वन है हमारा इसमें ओपनिंग मोड क्या रहेगा तो ओपनिंग मोड की अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला गया है फाइल को रीड करने के लिए तो हमारा रहेगा यहाँ पे आर मतलब कि आर मोड जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे स्टेटमेंट टू के लिए जो है क्या आपकी लाइन आएगी मतलब कि क्या स्टेटमेंट टू में जो है फिल होगा तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट टू में हमें करनी है फाइल रीड तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे यूज़ यहाँ पे हम कर देंगे रीड फंक्शन को यूज़ मतलब कि जो रीड ऑब्जेक्ट होता है हमारा इसको हम यूज़ करेंगे तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तो इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट थ्री में जो है क्या आपकी लाइन आएगी मतलब कि जो डेटा है उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करना होगा तो स्टेटमेंट जो थर्ड है उसमें क्या आएगा तो स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है क्या आएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट थर्ड में आपका आ जाएगा लाइन डॉट स्प्लिट मतलब कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा देखिए बाकी में देखिए लाइन का एल कैपिटल है और यहाँ पे देखिए वर्ड दे रखा है तो वर्ड के नाम से कोई भी हमारा फंक्शन नहीं होता है और यहाँ पे देखिए लाइन का एल कैपिटल है तो इस तरीके से बाकी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की तो इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट फोर में आपका क्या आएगा जिससे कि सिर्फ वही वर्ड जो है वो आपके डिस्प्ले हों जिनकी लेंथ क्या है फोर करैक्टर से कम है तो यहाँ पे क्या आएगा मतलब कि जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ये जो हमारा क्या आएगा यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ में क्या आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन मतलब कि लेंथ सी लेस देन फोर ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में पूछा गया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट फाइव दे रखा है वहाँ पर आपका क्या आएगा तो स्टेटमेंट फाइव जो है बेसिकली फाइल को क्लोज करने के लिए दिया गया है मतलब कि स्टेटमेंट फाइव जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए दिया गया है तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा फाइल डॉट क्लोज़ मतलब कि ए स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे फिल हो जाएगा अब बात करते हैं अगले के स्टडी बेस क्वेश्चन की तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है इसमें बोला गया है कि दीपेश जो है वो एक प्रोग्रामर की तरह वर्क करता है डेल्टा टेक्नोलॉजीज में अब उसे जो है काम दिया गया है सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को जनरेट करने के लिए और बोला गया है कि ये जो आप काम करोगे वो सी एस सी फाइल के हेल्प से करोगे तो उसने क्या करा एक प्रोग्राम लिख दिया है सी फाइल को जनरेट करने के लिए और यहाँ पे जो है इस काम को करने के लिए उसने ये कोड लिखा है लेकिन इस कोड में देखिए कुछ जगह पे स्पेस दे रखे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा तो बात करते हैं इस बेस क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मतलब कि थर्टी वन क्वेश्चन है ये क्या है नेम द मॉड्यूल ही शुड इम्पोर्ट इन लाइन वन मतलब कि यहाँ पर कौन सा मॉड्यूल जो है वो इसके लिए इम्पोर्ट करना चाहिए तो सिंपल सी बात है सी फाइल को वर्क कर रहा है तो सी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेगा मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द मेथड दैट ही शुड यूज़ टू ओपन द फाइल टू रीड डेटा फ्रॉम इट मतलब कि कौन सा मेथड जो है उसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि उस फाइल को वो ओपन कर पाए और उससे जो है डेटा को रीड कर पाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी क्यों होगा क्योंकि सबसे पहले ओपन करने के लिए उसे ओपन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा फाइल को सबसे पहले वो ओपन करेगा और उसके बाद में ही वो जो है रीड ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म कर पाएगा तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ओवन फंक्शन का यूज़ होगा तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की तो इसमें बोला गया है फिलिंदा ब्लैंक इन लाइन थ्री मतलब कि डेटा को रीड करने के लिए सी फाइल से लाइन थ्री में जो है क्या आएगा लाइन थ्री की अगर हम बात करें तो लाइन थ्री का मतलब है ये वाली लाइन यहाँ पे जो है सी के साथ में क्या आएगा तो सिंपल सी बात है उसे जो है डेटा को रीड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा रीडर मतलब कि सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट को वो जो है यूज़ करेगा इसके बाद में जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की तो इसमें बोला गया है लाइन फोर में जो है क्या आएगा मतलब कौन सा मेथड आएगा जिसके हेल्प से जो है डेटा को जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है तो सिंपल सी बात है डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लाइन फोर में क्या आएगा लाइन फोर के लिए जो ऑप्शन हैं वो आपके ये रहे यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपके सामने हैं तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज़ करेगा लिस्ट फंक्शन को इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तो इसमें बोला गया है राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द कॉन्टेंट रीड फ्रॉम सी एस यू फाइल मतलब कौन सी कमांड की हेल्प से जो हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे जो भी डेटा रीड किया गया है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है आपकी लाइन फाइव की तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे मतलब कि प्रिंट की हेल्प से जो है हम इस काम को करेंगे तो तो सिंपल सी बात है बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है अब जो है यहाँ से तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा तो चाहे तो आप अगेन यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट को तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेरिएबल नेम इन पाइथन मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो है कौन सा है जो कि वेरिएबल का नेम हो सकता है तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इन तीनों की स्टार्टिंग के तो एक तरीके से क्या है कीवर्ड है लेकिन यहाँ पे देखिए सी वाला जो ऑप्शन है इसमें मैंने क्या करा है फॉर का एफ़ कैपिटल कर दिया है तो जब भी हम कोई कीवर्ड लिखते हैं और उसका जो है हम केस चेंज कर देते हैं तो वो हमारा वेरिएबल बन जाता है अगर कीवर्ड आपका स्मॉल में है अगर आपने उसको कैपिटल में कर दिया तो वो आपका वेरिएबल नेम बन जाएगा तो इस तरीके से जो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो गया सी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पाइथन इज केस सेंसिटिव डीलिंग विद आइडेंटिफायर मतलब कि आइडेंटिफायर के साथ में जब भी पाइथन में हम वर्क करते हैं तो जो हम आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं या नहीं तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है यस yes, सेकंड है नो no, थर्ड है मशीन डिपेंडेंट और फोर्थ है नन ऑफ द मैंशन तो बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यस yes. क्योंकि जब भी हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है केस सेंसिटिव होता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर मतलब कि कोई भी आइडेंटिफायर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है मतलब कितने करेक्टर तक की उसकी लेंथ हो सकती है तो ऑप्शन है बच्चों आपके सामने ए है आपका थर्टी वन करेक्टर्स बी है आपका सिक्सटी थ्री करेक्टर्स एंड सी है आपका सेवेंटी नाइन करेक्टर्स या फिर इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द मैं तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी नन ऑफ द मैं क्योंकि जो पाइथन होता है उसमें जो है आप कोई भी आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का क्रिएट कर सकते हैं तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ द आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेलिड मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं तो इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा जो है इनवैलिड है तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से क्या है ये वेरियबल है और इनमें वैल्यू असाइन हो रही है तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग के तीनों की तो ये तीनों ही जो है वो हमारे करेक्ट हैं तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मैंसन क्योंकि यहां पर जो है जब मैंने आपको वेरिएबल या आइडेंटिफायर का रूल समझाए थे कि कोई भी आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल का नेम होगा या फिर जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो आपका किससे स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर किससे होगा अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के तीन हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं अंडर से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसीलिए तीनों हमारे करेक्ट हैं तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा नन ऑफ द मैं अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फाइव की तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवेलिड वेरिएबल यहाँ पे देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका इनवेलिड वेरिएबल है तो वेरिएबल के रूल आपको पता ही है कि वेरिएबल क्रिएट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना होता है कि बैरेबल हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडर से स्टार्ट हो तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला है वो हमारा गलत है क्योंकि सेकंड वाले में जो स्टार्टिंग हो रही है वो नंबर से हो रही है तो हमने जब रूल पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो बैरेबल का नेम होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है ऑल द की वर्ड एंड पैथन आर इन मतलब कि जितने भी कीवर्ड होते हैं पाइथन में वो किस केस में होते हैं बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किस केस में होते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज तो आपको बताना है कि कौन से केस में होते हैं या फिर इनमें से कोई भी केस नहीं होता है आप लोग अगर चाहो तो साथ साथ अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ तो उसका आंसर खुद से टिक कीजिए और जैसे ही मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ आंसर तो वहां पर मैच कर लीजिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका नन ऑफ द मेंशन क्यों होगा नन ऑफ द मेंशन क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पैथन के कीवर्ड होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक केस में नहीं होते हैं वो ना ही तो सारे लोअर केस में होते हैं और ना ही तो हमारे सारे अपर केस में होते हैं और ना ही हमारे कैपिटलाइज केस में होते हैं मतलब कि जितने भी पैथन के कीवर्ड होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे स्मॉल में है किसी किसी में जो है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में होता है जैसे कि ट्रू कीवर्ड है तो ट्रू में जो हब का टी होता है वो कैपिटल में होता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पाइथन के जो कीबर्ड है वो किसी पर्टिकुलर केस में नहीं होते हैं इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे देख के बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनवैलिड है तो देखिए अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे ये यह जो वैल्यू है वो सिंपली इसमें असाइन हो रही है इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एबीसी तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एबीसी में स्पेस दे रखा है और साथ ही साथ जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उनमें भी स्पेस है तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनवैलिड है इसके अलावा इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों जो हमारे है हमारे करेक्ट है देखिए यहाँ पे क्या होगा ये वैल्यू इसमें जाएगी ये वाली इस वाले वेरिएबल में जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल में जाएगी और यहाँ पे जो है एक ही वेरिएबल है एबीसी के नाम से देखिए अंडरस्कोर लगा हुआ है बीच में और ये वैल्यू इसके अंदर पास हो रही है तो बाकी सारे करेक्ट हैं बी वाला हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट मतलब कि अगर हम ये करते हैं इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा यहां पे देखिए प्रिंट मैंने लिख दिया डायरेक्टली यहां पे इस तरीके से ब्रैकेट नहीं लगाइए तो इस तरीके से आपको मान लेना कि यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुई है अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करें पहला ट्रू है सेकेंड फॉल्स है थर्ड हमारा मशीन डिपेंडेंट एंड फोर्थ है एर तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है प्लस हो रहे हैं ये जो दो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही है तो आपको लगेगा कि जो आंसर है वो आपका करेक्ट है मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आएगा आपको ये लगेगा बट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ट्रू नहीं आएगा यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स क्यों फॉल्स आएगा क्योंकि जो पाइथन होता है हमारा उसमें ये जो नंबर है इससे भी ज्यादा एक्यूरेट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो इसीलिए जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ डिक्शनरी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे या फिर करेगा एक स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे क्रिएट करेगा या फिर जो है यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं मतलब कि तीनों ऑप्शन दे रखे ए बी सी वो तीनों करेक्ट हैं तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या आंसर होगा तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा तीनों ही तरीके ठीक हैं डिक्शनरी को जो है हम तीनों ही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे इन दोनों में तो हम पास कर ही रहे हैं आइटम्स को की वैल्यू की फॉर्म में तो इसीलिए जो है इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है वर्ट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड मतलब कि यहाँ पे जो है पाइथन का कोड है ये देखिए पाइथन का कोड दे रखा है तो इसको देख के बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा देखिए ऑप्शन है ट्रू फॉल्स नन एंड एरर तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा तो देखिए सिंपल सी बात है यहां पे लिखा हुआ है जॉन एंड डी और डी क्या हमारे पास में यहां पे डिक्शनरी है तो जॉन जो हमारी की है वो डिक्शनरी में है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू पहला वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसीलिए यहां पे आप कर देंगे ए ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में भी आपसे पूछा गया है आउटपुट कि ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा तो देखिए यहाँ पे दो डिक्शनरी है डी के नाम से और डी के नाम से और यहाँ पे देखिए प्रिंट करा है d1 ग्रेटर देन डी वन डिक्शनरी है वो आपकी d2 से ग्रेटर है तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू होगा फॉल्स होगा नन होगा या फिर एरर होगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा एरर क्यों मिलेगा क्योंकि देखिए जो डिक्शनरी होती है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल यहाँ पे देखिए इन ऑप्शन में देख के आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका पैथन का टपल है तो सिंपल सी बात है आप टपल को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टपल में क्या होती है आपकी पेरेंथी लगी हुई होती है तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारी लिस्ट है एंड सेकंड वाले जो ऑप्शन है वो हमारा टपल है क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेंथी लगी हुई है और थर्ड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो डिक्शनरी के लिए है और डी वाला भी हमारे यहाँ पे डिक्शनरी के लिए है तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा बी जो हमारा टपल है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखिए क्या बोला गया है बोला गया है कि आपको सपोज कीजिए कि आपके पास में क्या है टी के नाम से एक यहाँ पे टपल है ये देखिए इस तरीके से टपल बना हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको इन ऑप्शन को देख के बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है तो देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन होगा बी वाले में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने यहाँ पे टपल का नेम लिखा है और फिर इंडेक्स दिया और उसके बाद में क्या करा है मैंने यहाँ पे असाइनमेंट करने की कोशिश की है मतलब कि वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है यहाँ पे वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हम लोगों को पता है कि जो टपल होता है हमारा वो क्या होता है इम्यूटेबल होता है उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो इसीलिए जो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बाकी जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट आ जाएगा देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा जो थर्ड इंडेक्स है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू बता देगा और यहाँ पे जो है लेंथ आपकी कैलकुलेट करके बता देगा तो बाकी सारे ऑप्शन सही है वाला हमारा यहाँ पे गलत है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें भी आपको आउटपुट बताना है यहाँ पे देखिए ये कोड दे रखा है और इस कोड का आपको आउटपुट बताना है तो इस कोड में हो क्या रहा है देखिए यहाँ पे टी के नाम से एक टपल बना हुआ है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे टपल को क्या करा गया है स्लाइस किया गया है तो किस तरीके से स्लाइस किया गया है यहाँ पे लिखा गया है वन कॉलन थ्री तो आपको बताना है आउटपुट क्या होगा तो सिंपल सी बात है वन कॉलन थ्री का मतलब क्या हुआ वन कॉलम थ्री का मतलब हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स है मतलब कि इस वाले इंडेक्स से लेके थर्ड वाले इंडेक्स तक तो थर्ड इंडेक्स कौन सा है थर्ड इंडेक्स है हमारा ये वाला तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक दो वैल्यू आ जाएंगी टू एंड फोर आ जाएंगी क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और जो है हमारा कौन सा इंडेक्स आएगा सेकंड इंडेक्स आ जाएगा थर्ड वाला जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा तो इसीलिए जो हमारा आउटपुट होगा वो हो जाएगा टू कॉमा फोर ये जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको बोला गया है कि आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है इस कोड को देख के तो इस कोड में क्या हो रहा है देखिए यहां पे सेम चीज हो रही है टपल है यहां पे और यहां पे देखिए टपल की स्लाइसिंग हो रही है और यहां पे क्या दे रखा है वन कॉलन माइनस वन मतलब कि माइनस वन तक जो है आपको स्लाइस करना है टपल को और स्टार्टिंग कहां से करनी है वन से तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का दोनों ही इंडेक्सिंग को यहाँ पे यूज किया है तो आउटपुट क्या आएगा इसका सिंपल सी बात है हमारा क्या आएगा वन से स्टार्ट होगा तो मतलब कि टू आएगा एंड फोर आएगा क्योंकि टू जो है वो हमारे कॉन्सेंट इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे है और जो फोर है वो हमारे कॉन्सेंट इंडेक्स पे टू इंडेक्स पे है लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा माइनस वन है और ये माइनस टू है तो यहाँ पे देखिए वन से स्टार्टिंग हो रही है और माइनस वन तक बोला है तो माइनस वन को तो इंक्लूड करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ वन होगा और माइनस टू आपका प्रिंट हो जाएगा तो आउटपुट जो है वो आपका आएगा टू कॉमा फोर ये वाला जो आउटपुट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है वर्ड विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या होगा ऑप्शंस आपके सामने 40, 45, जॉन पीटर तो बताइए क्या आंसर होगा देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है गया जो है यहाँ पे एक डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर से कौन सी की को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है जॉन वाली की को तो जब इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट आएगा फोर्टी मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट नहीं लिखा है लेकिन आपको एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ होगा अगर यहाँ पे एरर होता ऑप्शन में तो आप एरर कर सकते थे लेकिन यहाँ पे एरर ऑप्शन में नहीं है तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट को मान लेना है ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है अगर एग्ज़ाम में एरर वाला ऑप्शन दे रखा है तो एरर लगाएंगे आप अदरवाइज़ आप क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे इसको प्रिंट किया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्टी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें भी आपको आउटपुट को बताना है और आउटपुट जो है इस कोड का आपको बताना है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे टी के नाम से एक टपल है और यहाँ पे कर दिया है टू इंटू टी मतलब कि टपल को क्या कराया गया है यहाँ पे रेप्लीकेट किया गया है तो सिंपल सी बात है जो टपल की वैल्यू है वो क्या होंगी रेप्लीकेट हो जाएंगी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वन टू वन टू मतलब कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बाकी जो ऑप्शन है सारे गलत हैं तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वन टू वन टू और टपल की फॉर्म में हमारा जो है आउटपुट आएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है हमारा की वर्ड पाइथन में नहीं होता है तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या करा था अपनी कम्युनिटी में डाला था यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट करा था और ज्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर गलत दिया था ज्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर करा था ट्राई मतलब कि सी वाले ऑप्शन को जो है ज्यादातर बच्चों ने टेक किया था मतलब कि कह सकते हैं एट्टी या फिर नाइनटी परसेंट जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसका आंसर गलत दिया था तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कैसी स्टडी आपकी चल रही है मतलब कि इतने सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर गलत दिया था और जबकि इसका आंसर जो है सभी को सही करना चाहिए था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो आंसर होगा वो ज्यादातर बच्चों का करेक्ट आएगा बट इसका जो आंसर है वो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए वेल वेल के नाम से जो है कोई भी कीवर्ड पाइथन में नहीं होता है देखिए रेस के नाम से भी होता है ट्राई के नाम से भी होता है ट्राई को जो है मैंने आपको फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में समझाया था और विद के नाम से भी हमारा कीवर्ड होता है लेकिन वेल well के नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में क्या पूछा गया है वट इज द आउटपुट वेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हैलो मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं लिस्ट हेलो तो क्या आउटपुट आपका आएगा तो लिस्ट अगर हम लिखते हैं इस तरीके से तो इसका आउटपुट क्या आएगा मतलब कि इस अगर हम पूरे को प्रिंट कर दें तो आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन है आपका कि इस तरीके से जो है आपके करेक्टर क्या होंगे एलिमेंट में फॉर्म हो जाएंगे या फिर आपका जो हैलो इस तरीके से लिख के आ जाएगा या फिर जो इस तरीके से आएगा या फिर जो है आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस तरीके से आउटपुट आएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मतलब कि यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो लिस्ट में फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लिस्ट फंक्शन को तो लिस्ट फंक्शन का, का काम यही होता है जितने भी जो करेक्टर्स होते हैं उनको जो है लिस्ट के एलिमेंट में वो डाल देता है तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया है वट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन मतलब कि यहाँ पे ट्वेंटी को जो है अगर आप डिवाइड करेंगे थ्री से और यहाँ पे देखिए ऑपरेटर कौन सा है मॉडल ऑपरेटर लगा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको पूरे को प्रिंट कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा तो इसका सिंपल सी बात है आउटपुट क्या आएगा इसका आ जाएगा वन क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका वन रहेगा ये वाला जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए होता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट मैंने इसको इसलिए रखा है कि ज्यादातर बच्चों को जो है मॉडलेस ऑपरेटर में कंफ्यूजन रहता है तो इस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर को फाइंड करने का आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा अगर आप लोगों ने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने पाइथन के बहुत अच्छे कर लीजिए मैंने सारी चीज़ें जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के नाम से आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे क्लास ट्वेल्थ की आप प्लेलिस्ट अगर पूरी देख लेते हैं तो जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से आप जो है अपने पेपर को कर सकते हैं अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी होंगी तो आधे से ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे होगी आधे से ज़्यादा क्या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर लोगे मुझे लग रहा है नाइन्टी परसेंट के आप जो है यहाँ पर आंसर दे देंगे अगर आपने जो है मेरी वीडियो देख रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन दे रखा है तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा अगर मैं इस पूरे को प्रिंट कर दूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ट्वेंटी सेवन फिर है नाइन फिर है थ्री फिर है आपका वन तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ट्वेंटी सेवन बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा नाइन बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है सी थ्री इसका आंसर आएगा सी थ्री कैसे आएगा देखो यहाँ पे यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको देखनी पड़ेंगी ऑपरेटर की प्रायोरिटी तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैंने आपको समझाई थी कि इस तरीके से जो हम ऑपरेटर की प्रायोरिटी को चेक कर सकते हैं और उनका प्रेसिडेंस क्या होता है ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट प्रायोरिटी की तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पे जो है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा हुआ है देखिए दो स्टार के सिंबल हैं ये एक्सपोनेंट सिंबल होते हैं तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो सबसे पहले ये वैल्यूट होगा तो वन की अगर हम पावर थ्री देंगे तो हमारा क्या रहेगा वन ही रहेगा तो इसीलिए यहाँ पे वन ही रहेगा और इसके बाद में थ्री इंटू वन करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहां पे थ्री ही आएगा मतलब कि जो आउटपुट होगा वो हमारा यहां पे थ्री ही रहेगा तो इसीलिए जो है आपका सी वाला ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज वॉट कोर डेटा टाइप मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कि हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो की वैल्यू के फॉर्म में करते हैं वहां पे की रहती है और वैल्यू रहती है तो बहुत ही सिंपल सी बात है इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी देखिए टपल में भी नहीं करते हम ये काम लिस्ट में भी नहीं करते और ना ही क्लास में करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी डिक्शनरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है इस कोड को जो है ध्यान से देखना है ये जो कोड है तो ये कोड आपको ध्यान से देखना है और इसके बेस पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा मतलब कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में से क्या आउटपुट आएगा तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका फंक्शन वाले चैप्टर से है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ देखिए डेफ की लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है हमने एक पैरामीटर पास करा है एक के नाम से और इसके बाद में जो हमने इस फंक्शन को यहाँ पे देखिए कॉल किया है मतलब कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको कॉल कर दिया है फंक्शन का नेम लिख दिया एग्जाम्पल और यहाँ पे जो है वैल्यू पास कर दिया है। तो ये जो वैल्यू है वो ए में चली जाएगी मतलब कि ए में क्या चला जाएगा हेलो और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा इस फंक्शन के अंदर हेलो प्लस टू तो टू जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का तो क्या हो जाएगा हेलो में प्लस हो जाएगा टू मतलब कि हेलो टू हो जाएगा और हेलो टू के होने के बाद में देखिए यहां पे क्या करा है हमने इसको कर दिया है इन टू मतलब कि हाँ पे कर दिया है को तो इस रिजल्ट को मतलब कि जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाए और वही रिजल्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी हेलो टू हेलो टू यह आपका इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या है देखिए यहाँ पे भी आपको आउटपुट बताना है और आउटपुट किसका बताना है इस वाले स्टेटमेंट का बताना है तो देखिए यहाँ पे क्या करा है मैंने प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग ली है और उसके बाद में डॉट लगाया है और यहाँ पे लगाया है मैंने काउंट फंक्शन को मतलब जो काउंट मेथड होता है उसको लगा दिया है और किसको काउंट करना है वाई वाई को काउंट करना है तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा तो सिंपल हो तो सी बात है यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो बाय बाय जो है वो आपका टू टाइम है तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ए टू ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखिए क्या बोला गया है इफ़ ए इक्वल टेन मतलब कि ए में इस तरीके से अगर मैं वैल्यू को असाइन करता हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में करके असाइन करता हूँ तो इसका डेटा टाइप क्या होगा मतलब कि जो ए है इसका डेटा टाइप क्या होगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हैं टपल इंटीजर लिस्ट या फिर दोनों ही होंगे टपल और इंटीजर तो देखिए बहुत सारे बच्चों को इसे देख के लग रहा होगा कि इसका डेटा टाइप जो है वो टपल होगा मतलब कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगे हुई हैं तो आप लोगों को लगेगा कि जहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं मतलब कि जो पैरेंथिस लगी हुई होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारा डेटा टाइप हो जाता है टपल बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे आपका आंसर होगा इंटीजर बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट होते तब इसका टाइप टपल होता या फिर टेन के बाद में कॉमा लगा होता इस तरीके से कॉमा लगा होता है यहाँ पे अंदर तब भी आपका टपल बन जाता लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सिंगल वैल्यू को पास करते हैं तो ये जो हमारी इंटीजर फॉर्म में ही जाएगी तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा इंटीजर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की तो इसमें भी आपको आउटपुट बताना है और आउटपुट किसका बताना है इस कोड का आपको बताना है तो यहाँ पे देखिए लिस्ट वन है और यहाँ पे लिस्ट टू है तो दोनों लिस्ट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है मतलब कि लिखा गया है लिस्ट वन ग्रेटर देन लिस्ट टू और लिखा गया है एज अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा फॉल्स होगा एरर होगा या फिर आपका कुछ भी नहीं होगा नन होगा या फिर आउटपुट तो इसका जो आउटपुट होगा वो एरर होगा मतलब कि आपको एरर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बाद में आया है इसको जबकि यहाँ पे अंदर आना चाहिए था मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से आप स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते ये गलत स्टेटमेंट है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी एरर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है मतलब कि अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है लिस्ट का नेम देखिए यहाँ पे दे रखा है लिस्ट वन जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है तो इस लिस्ट के अंदर अगर जो है मुझे न्यू एलिमेंट को ऐड करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे, दे रखे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जिससे कि हम यहाँ पे लिस्ट वन में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं पहले की बात करें यहां पे देखिए मैंने लगाया एड फंक्शन इसके बाद वाले में लगाया अपेंड थर्ड वाले में लगाया एड लास्ट और लास्ट वाले में लगाया है एड एंड तो यहां पे देखिए बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हैं जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने जो है अपेंड फंक्शन को पढ़ा था जो अपेंड मेथड होता है उसको हमने पढ़ा था तो अपेंड की हेल्प से क्या होगा लास्ट में एलिमेंट आपका एड हो जाएगा तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी अपेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो यहाँ पे देखिए बोला गया है सपोज आपके पास में ये लिस्ट है और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ लिस्ट वन इंडेक्स फाइव मतलब कि जो फाइव वाला एलिमेंट है इसका मुझे इंडेक्स फाइंड करना है तो आउटपुट क्या आएगा फाइव का इंडेक्स क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए फाइव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो बताना है आपको आउटपुट क्या आएगा जीरो आएगा वन आएगा फोर आएगा या टू आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा टू क्योंकि जो पहला वाला इंडेक्स है उसको ये रिटर्न करेगा क्योंकि इंडेक्स मेथड का काम यही होता है जो भी पहला इंडेक्स इसे मिलता है उसी को ये रिटर्न कर देता है तो यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी टू नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में देखिए क्या पूछा गया है इसमें भी आपसे आउटपुट पूछा गया है और आउटपुट किसका पूछा गया है इस कोड का तो इस कोड में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे एक लिस्ट है और इसके बाद में देखिए यहां पे डेल स्टेटमेंट की हेल्प से एक इंडेक्स को डिलीट कराया है कौन सा इंडेक्स डिलीट कराया है हमने सेकंड इंडेक्स तो सेकंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है थ्री तो थ्री जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा वन टू फोर मतलब कि थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या बोला गया है विच लूप इज नोन एज कंडीशनल लूप इन पाइथन मतलब कि पाइथन में जो लूप्स होते हैं उनमें से कौन सा लूप जो है वो आपका कंडीशनल लूप होता है तो ऑप्शंस देखिए ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ए फॉर वी वाइल या फिर सी बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं तो बताइए बच्चों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ज्यादातर बच्चे जो हैं इसका करेक्ट आंसर कर देंगे मुझे पता है सभी को पता होगा ज्यादातर बच्चों को कि इसका आंसर हो जाएगा आपका वी वाइल वाइल जो लूप है वो हमारा कंडीशनल लूप होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन फंक्शन मतलब कि जब भी हमें कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करना होता है तो क्या की वर्ड हम यूज करते हैं देखिए की वर्ड आपके सामने दे रखे हैं पहला है डैफ सेकेंड है आपका डेफिनेशन थर्ड भी डैफ है लेकिन थर्ड में जो डी है वो कैपिटल है और डी है आपका डिफाइन तो बताओ बच्चों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ए जो है हमारा डेफ रहता है और डेफ पूरा स्मॉल में रहता है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए डेफ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की थर्टी टू की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है एसक्यू आर टी फंक्शन इज द पार्ट ऑफ विच मॉड्यूल मॉड्यूल भी कह सकते हैं या फिर आप जो है लाइब्रेरी कह सकते हैं एग्जाम में मॉडल भी हो सकता है या फिर लाइब्रेरी लिखा हुआ भी हो सकता है तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी को पता होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी मैथ मैथ मॉडल के अंदर होता है हमारा स्क्वायटी फंक्शन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हाँ पे देखिए क्या बोला गया है जो कृष्णभ है वो ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहा है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं क्या कंडीशन है अगर उसको जो है जॉब मिलती है दैली में क्योंकि दहली को वो लव करता है तो वो बोल रहा है कि अगर डेली में उसे जॉब मिलती है तो वो जो है चालीस हज़ार में कर लेगा अगर उसे जो है चालीस हज़ार रुपये महीने मिलेंगे तो वो उस जॉब को कर लेगा मतलब कि दहली में वो चालीस हज़ार में जॉब कर लेगा लेकिन वो जो है चेन्नई को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है मतलब कि चेन्नई में जो है उसे जाना पसंद नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं अगर चेन्नई में जॉब करूँगा तो वहाँ पर कम से कम जो है एक लाख रुपये लूँगा अगर कोई एक लाख रुपये मुझे देगा तो मैं वहाँ पर वर्क कर सकता हूँ और इसके अलावा किसी और लोकेशन पे अगर मुझे कोई वर्क करने के लिए बुलाता है तो उसके लिए जो है मैं साठ हज़ार रुपये लूँगा मतलब कि साठ हज़ार रुपये अगर मुझे कोई ऑफर करता है मंथली तो मैं वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस कोड की हेल्प से और यहाँ पे कोड में देखिए पे की वैल्यू नहीं है और लोकेशन की वैल्यू नहीं है लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर लोकेशन मुंबई होती है तो ये कहेगा क्या कहेगा कि आई विल टेक मतलब कि वो जो है क्या करेगा वहाँ पे जॉब कर लेगा लेकिन यहाँ पे भी जो पे की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए सिक्सटी थाउजेंड होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि वो जो है कहीं पे भी जॉब करेगा अगर जो है उसे सिक्सटी थाउजेंड सैलरी मिलती है या फिर उससे ज़्यादा मिलती है तो उस केस में जो है वो क्या करेगा कहीं पे भी जॉब कर लेगा तो ये कंडीशन जो है हमारे मुंबई वाले केस में भी अप्लाई होती है कि यहाँ पर पे, पे की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी सिक्सटी होगी तभी जो है यहाँ पर ये यह जो प्रिंट होगा आई विल टेक इट ये मैसेज प्रिंट तभी होगा यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी कुछ और होगी तो प्रिंट ये नहीं होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसके बाद में बात करें सेकंड कंडीशन की तो यहाँ पे बोला है कि अगर लोकेशन चेन्नई रहती है तो उस केस में जो पे की वैल्यू है अगर वो लेस देन है किससे वन लाख से लेस देन है तो उस केस में प्रिंट हो जाए नो वे क्योंकि उसने बोल रखा है कि एक लाख से कम सैलरी होगी तो वो जो है चेन्नई में जॉब नहीं करेगा लेकिन अगर आपकी चेन्नई की लोकेशन तो है लेकिन जो सैलरी है वो एक लाख से ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाए आई एम बिलिंग मतलब कि जो स्टेटमेंट थर्ड है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाए देखिए सबके आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट थ्री तो स्टेटमेंट थ्री जो है वो हमारा प्रिंट हो जाए अगर जो हमारी लोकेशन चेन्नई रहती है और जो सैलरी है वो हमारी क्या है एक लाख से ऊपर क्योंकि सिंपल सी बात है अगर एक लाख से कम नहीं है तो इसका मतलब एक लाख से ज़्यादा ही होगी इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में बोल रखा है कि अगर आपकी लोकेशन डेली है और क्या होता है पे होता है कितना फोर्टी थाउजेंड से ज़्यादा तो फोटी थाउजेंड से ज़्यादा के केस में जो है वो डेली में जॉब कर लेगा क्या मैसेज प्रिंट हो जाए आई एम हैप्पी टू ज्वाइन क्योंकि उसने बोल रखा है कि वो जो है डेली में जॉब करेगा अगर उसे जो है फोर्टी थाउजेंड मिलते हैं या फिर उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उस केस में जो है वो जॉब करेगा तो इसलिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाए आई एम हैप्पी टू ज्वाइन मतलब कि स्टेटमेंट फोर जो है वो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में बोल रखा है कि जो पे की वैल्यू वो अगर आपके सिक्सटी थाउजेंड है मतलब कि सिक्सटी थाउजेंड से ज़्यादा है तो उस केस में आपका प्रिंट हो जाए आई एक्सेप्ट द ऑफ़र क्योंकि उसने बोला है कि अगर आपकी लोकेशन चेन्नई के अलावा कहीं पे भी होती है तो वो क्या करेगा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा मतलब कि सिक्सटी थाउजेंड से ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो वहाँ पे जॉब कर लेगा लोकेशन कुछ भी हो चेन्नई को छोड़ के और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में आपका प्रिंट हो जाए क्या प्रिंट हो जाए नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर मतलब कि स्टेटमेंट सिक्स जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि अगर इनपुट किया जाए लोकेशन में चेन्नई और पे में इनपुट किया जाए फिफ्टी थाउजेंड तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मतलब कि जो कोड है यहाँ पे अगर मैं पे की वैल्यू कर दूँ कितनी फिफ्टी थाउजेंड और लोकेशन कर दूँ चेन्नई तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो देखो यहाँ पे चेन्नई वाली कंडीशन में बोला था इसने वन लैख से ऊपर सैलरी होनी चाहिए तो उस केस में जो है मैं जॉब करूंगा अगर वन लैख से ऊपर है तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए आई एम विलिंग लेकिन यहाँ पे वन लैख से ऊपर नहीं है यहाँ पे देखिए पे की जो वैल्यू है वो आपके क्या है वन लैख से कम है तो इसीलिए स्टेटमेंट इस कौन सा प्रिंट होगा ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा मतलब कि स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा स्टेटमेंट टू इस तरीके से जो इसका आंसर आप कर देंगे इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर है कि अगर जो है हम क्या करें इनपुट यहाँ पर लोकेशन इनपुट कर दें सूरत और पे की वैल्यू कर दें फिफ्टी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा स्टेटमेंट सिक्स एग्जीक्यूट होगा क्यों होगा ये वाला स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि वो किसी भी लोकेशन पे जॉब करेगा अगर उसे जो है पे की वैल्यू मिलती है कितनी सिक्सटी थाउजेंड मतलब कि साठ हज़ार रुपये मिलते हैं उसे तभी जो है वो वहाँ पे जॉब करेगा लेकिन यहाँ पे देखिए फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है तो इसीलिए जो यहाँ पर हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लगा रखे हैं इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए इसमें क्या बोल रखा है इसमें बोल रखा है कि अगर हम इनपुट करें लोकेशन कोई और सिटी और पे की जो वैल्यू है वो कर दें वन तो पे की वैल्यू वन होगी तो भी क्या होगा आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मतलब कि सिक्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो कोई बेवकूफ तो ना एक रुपये में काम करेगा एक रुपये में काम थोड़े ना करेगा तो यहाँ पे देखिए सिटी कोई सी भी हो लेकिन उसे जो है कम से कम साठ हज़ार रुपये चाहिए तभी वो जो है वहाँ पर जॉब करेगा तो यहाँ पे ये कंडीशन कोई सी भी हमारी ट्रू नहीं हो रही है इनमें से तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सिक्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा इसका आंसर भी जो है हमारा हो जाएगा डी स्टेटमेंट सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इनपुट जो है वो किया जाए लोकेशन दिल्ली और यहाँ पे सैलरी दी जाए फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सिंपल सी बात है कि डेली के केस में कौन सा होगा स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसने बोला है कि अगर फोर्टी थाउजेंड से ज़्यादा मुझे सैलरी मिलेगी और लोकेशन दिल्ली रहेगी तो वो बहुत ही हैप्पी उसको ज्वाइन कर लेगा तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट फोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मतलब कि सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इन्होंने कि इनपुट करते हैं अगर हम लोकेशन लखनऊ और पे की वैल्यू करते हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टेटमेंट यहाँ पे जो है फाइव वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे जो है सिटी कोई सी भी हो उसे जो है सिक्सटी थाउजेंड से ऊपर मिलना चाहिए तो सिक्सटी थाउजेंड से ऊपर उसे यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट फाइव इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फाइव मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो गलती से मैंने सी लिख दिया है इसको डी कर लेना यहाँ पे डी रहेगा डी वाले में देखिए स्टेटमेंट फाइव दे रखा है तो यहाँ पे डी कर लेना तो ये जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आपको इसको करना है तो बेसिकली जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्ले को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डीपली और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन की है उनको अगर आप देख लेंगे तो जो क्वेश्चन हैं वो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे तो अब जो हमारा ही कम्प्लीट हो गया है तीसरा प्रैक्टिस सेट अब यहाँ से जो हम डिस्कस करेंगे सी बी एस ई के सैम्पल पेपर को जो कि सी बी एस ई ने टर्म वन एग्जाम के लिए रिलीज़ किया था तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को तो सेक्शन ए में यहाँ पे देखिए आपके पास में चॉइस है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से कि आपको कोई भी ट्वेंटी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है इनमें से जो है कौन सा वाला जो है इनवैलिड आइडेंटिफायर है तो यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की पहला है आपका नन

तो सिंपल सी बात है यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो पैरेंथेसिस लगी हुई हैं तो ये हमारा क्या है टपल है मतलब कि ऐसे पैरेंथेसिस लगी हुई होती हैं तो आपको पता ही है क्या होता है हमारा टपल डेटा टाइप होता है तो इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में एक टपल है जिसका नेम है टब वन इस तरीके से जो है टब वन लिखा हुआ है तो इस नाम से हमारे पास में ये टपल वन है और यहाँ पे देखिए क्या करा गया है इस तरीके से प्रिंट कराया गया है मतलब कि यहाँ पे स्लाइसिंग की गई है टपल की तो यहाँ पे लिखा गया है थ्री कॉलन सेवन और कॉलन टू तो मतलब क्या हुआ थर्ड वाले इंडेक्स है तो स्टार्ट होगा मतलब कि जीरो वन टू थ्री यहाँ से स्टार्टिंग होगी स्लाइसिंग की और कहाँ तक रहेगा सेवन तक तो ये हो गया फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब कि यहाँ तक चलेगा तो ये वाले जो एलिमेंट हैं वो आपके इसमें स्लाइस होंगे और यहाँ पर भी देखिए स्टेपिंग लगा रखी है तो आपका फोर्टी आएगा और सिक्सटी आएगा मतलब कि यहाँ पे स्टेबिंग है टू की तो हर सेकंड एलिमेंट को ये स्लाइस करेगा तो आपका फोर्टी आ जाएगा और सिक्सटी आ जाएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आउटपुट की तो आपका डी वाला आउटपुट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये टपल है तो टपल की फॉर्म में जो है वो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फोर्टी सिक्सटी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फोर की तो क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है तो पहला है इफ़ वी ट्राई टू रीड टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर मतलब कि कोई फाइल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑलरेडी नहीं है तो उस केस में हमें एरर मिलता है नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है इफ़ यू ट्राई टू रीड अ टेक्सट फाइल दैट डज नाट एग्जिस्ट द फाइल गेट क्रिएटेड तो यहाँ पे ये यह बोल रहा है कि अगर हम किसी फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या होती है हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी आप फाइल को रीड करते हैं तो उस केस में आपकी फाइल न्यू क्रिएट नहीं होती है अगर आपकी ऑलरेडी क्रिएट की हुई नहीं है तो उस केस में आपको एरर मिलेगा और फाइल जो है वो आपकी न्यू क्रिएट नहीं होगी तो इसीलिए जो है इसका आंसर बी हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी मतलब कि माई फाइल के नाम से मेरे पास में एक फाइल है उसको रीड करने के लिए यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला वाला है माई फाइल इक्वल ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी और यहाँ पर कराया माई फाइल डॉट रीड तो रीड से क्या होगा पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी तो इससे आपका काम नहीं बनेगा नेक्स्ट वाले की बात करते हैं बी की तो यहाँ पे हम माई फाइल इक्वल ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी आर और यहाँ पे देखिए लगा रखा है माई फाइल डॉट रीड और यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है मतलब कि यहाँ पे एन वैल्यू दे रखी है तो इससे भी हमारी फर्स्ट लाइन रीड नहीं होगी तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्यों करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लगा हुआ है रीड लाइन तो रीड लाइन से क्या होता है वाई डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट लाइन रीड होगी और एक ही लाइन रीड होगी तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रीड लाइन रीड लाइन्स होगा नहीं क्योंकि ये जो है आपका मल्टीपल लाइन्स को रीड करने के लिए होता है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो है रीड लाइन मेथड यूज होगा तो इसीलिए इसका आंसर सी वाला हो जाएगा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इज एट दिग्निंग ऑफ दर्ड लाइन मतलब कि तीसरी लाइन की पोजिशन है बिगनिंग में आपका फाइल है, text file में. फिर यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन मतलब कि जितनी भी बची हुई लाइन है उनको रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसकी हेल्प से जो भी लाइन बची है उनको आप रीड कर पाए तो सिंपल सी बात है बाकी की लाइन को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे रीड लाइन्स मेथड का यूज़ करेंगे मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जितनी भी लाइन्स हैं उनको रीड कर सकते हैं तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेवन की तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया है अ टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस मतलब कि स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल है और यहाँ पे देखिए बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू ओपन द फाइल इन रीड मोड मतलब कि यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है माई फाइल इक्वल ओपन और स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी आर बी इस तरीके से आर बी मोड में करा है इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए डब्लू मोड है तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा और अगर हम बात करें थर्ड एंड फोर्थ की तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे क्यों करेक्ट होंगे देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा फाइल जो है वो आपकी ओनली रीड मोड में ओपन होगी और जो फोर्थ वाला है यहाँ पे देखिए कोई भी मोड लगा हुआ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका आर मोड में ही फाइल ओपन होती है मतलब रीडिंग मोड में ही ओपन होती है तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके हो जाएंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इनपुट फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए स्ट्रिंग क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रिंग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद द स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में आप जो है इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते तो देखिए प्लस भी हो जाता है इन भी हो जाता है और आपका मल्टीप्लाई का साइन भी यूज हो जाता है लेकिन डिवाइड वाला नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग को आप डिवाइड नहीं कर सकते तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी डिवीजन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है कंसिडर अ टपल टपल वन और यहां पे ये टपल हमारे पास में तो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट एन एरर मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एरर देगा ये जो हमारा टपल है तो यहां ये यह स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर जनरेट करके देगा तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है जो बी वाला स्टेटमेंट है वो आपको एरर देगा क्यों एरर देगा क्योंकि यहाँ पे देखिए टपल वन में जो सेकेंड एलिमेंट है मतलब कि सेकंड इंडेक्स है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है और इसको हम मॉडिफाई कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि टपल जो है वो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट इन द कॉन्टेक्स ऑफ वाइनरी फाइल मतलब कि वाइनरी फाइल के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है तो अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट दे रखा है इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉमेशन इज़ हेल्ड इन द मेमोरी मतलब कि जैसी मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है उसी तरीके से जो है आपकी बाइनरी फाइल में भी स्टोर होती है नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें तो लिखा हुआ है नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेक प्लेस मतलब कि कोई भी करेक्टर ट्रांसलेशन जो है वहाँ पर नहीं होती है सी वाले की अगर हम बात करें तो सी वाले में दे रखा है एवरी लाइन एंड्स विद द न्यू लाइन करेक्टर मतलब कि हर एक लाइन जो है वो आपकी न्यू लाइन करैक्टर से एंड होती है तो जो सी ऑप्शन है यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऐसा आपका नहीं होता है ये जो होता है हमारा टेक्स्ट फाइल में होता है तो यहाँ पे जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड जो टेल मेथड होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सिंपल वे में अगर हम कहें तो टेल फंक्शन जो होता है या टेल मैथड जो होता है उसका यूज़ क्या होता है तो टेल मेथड की अगर हम बात करें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं देखिए पहला है टेल द पाथ ऑफ फाइल सेकेंड है टेस्ट द करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल तो जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्या करता है आपको करंट पोजिशन बताता है फाइल पॉइंटर की फाइल के अंदर तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से जो है कौन सा वाला ट्रू है तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सिक्वेंस ऑफ वाइट मतलब कि जो पिकलिंग है वो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट को सिक्वेंस ऑफ वर्ड से तो ये स्टेटमेंट है पहला वाला सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे पिकलिंग इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है पिकलिंग का यूज़ जो है वो सीरियलाइजेशन के लिए होता है मतलब कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए इसका यूज़ होता है तो ये जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है देखिए सिंटैक्स ऑफ सीख फंक्शन इन पाइथन इज मतलब कि जो सीख फंक्शन होता है उसका सेंटेक्स जो है वो इस तरीके से रहता है यहाँ पर देखिए फाइल ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा हुआ है माई फाइल डॉट सीख और इसके बाद में देखिए ऑफसेट रहता है और रेफरेंस पॉइंट इस तरीके से रहता है तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेयर माई फाइल जो है वो क्या है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है और अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रेफरेंस पॉइंट की क्या रहती है मतलब कि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है तो इसके अगर हम बात करें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है आपकी जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ज़ीरो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ फंक्शन हैडर इन पाइथन मतलब कि फंक्शन का जो हैडर होता है उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं मतलब कि इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हैडर के कॉम्पोनेंट में रहते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला है फंक्शन नेम सेकंड है रिटर्न स्टेटमेंट थर्ड है पैरामीटर लिस्ट और फोर्थ है बोथ ए एंड सी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी मतलब कि डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फंक्शन के हेडर में फंक्शन का नेम रहता है और पैरामीटर की लिस्ट रहती है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैडर इज़ करेक्ट मतलब कि यहाँ पे फंक्शन के कुछ हैडर दे रखे हैं तो इनमें से जो है कौन सा फंक्शन का हैडर जो है वो करेक्ट है तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले की तो ये हमारा गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं तो पहला वाला है कीवर्ड वर्ड आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे सेकंड जो है वो पैरामीटर कैसे दे रखा है ये आपका दे रखा है पोजिशनल तो पोजिशनल कीवर्ड जो होते हैं कह सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके सबसे पहले रहते हैं इसी तरीके से देखिए ये वाला भी गलत हो जाएगा यहाँ पे भी लास्ट में दे रखा है और इसी तरीके से देखिए इस वाले की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा तो इसीलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी मतलब कि यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है इसके बाद में दो कीवर्ड वर्ड आर्ग्यूमेंट है तो डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन मतलब कि फंक्शन को कॉल करने का कौन सा जो है करेक्ट तरीका है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला वाला है माई अंडर स्कोर फंग मतलब कि ये जो है फंक्शन का नेम है तो इस तरीके से फंक्शन का नेम लिख के पैरेंसी लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है और अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो यहाँ पे देखिए डेफ कीवर्ड लगा हुआ है यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है और यहाँ पे जो है कॉल लगा हुआ है तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं सिंपली हमें क्या करना होता है फंक्शन के नेम को लिख देना होता है पैरेंथिस के साथ में तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तो क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर एक्ट एज अ डिफॉल्ट डेलीमेटर इन सी एस पी फाइल मतलब कि सी एस पी फाइल में जो है डिफॉल्ट डेलीमेटर क्या होता है तो सिंपल सी बात है सी एस वी फाइल में जो है हमारा कॉमा रहता है क्योंकि सी एस वी की फुलफॉर्मिंग होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू तो यहाँ पे सी एस वी फाइल में जो हमारा कॉमा रहता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में देखिए क्या बोला गया है सिंटैक्स फॉर द ओपनिंग स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल इन राइट मोड मतलब कि स्टूडेंट के नाम से एक सी एस वी फाइल है इसको राइट मोड में ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है तो यहाँ पे जो न्यू लाइन लिखा गया है इसकी इम्पोर्टेंस को पूछा गया है कि इसको लगाने से क्या होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे होता है क्या है पहला ऑप्शन है अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल सेकंड की अगर हम बात करें तो दे रखा है एम टे स्टिंग गैड अपेंडेड टू द फर्स्ट लाइन थर्ड की बात करें तो थर्ड में दे रखा है एम टे स्टिंग गाइड्स अपेंडेड टू ऑल लाइंस मतलब कि सारी लाइंस में जो है यहाँ पे एम टे स्टिंग अपेंड हो जाती है और फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है ई ओ एल मतलब कि एंड ऑफ फाइल ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे होता है क्या है इससे एंड ऑफ फाइल ट्रांसलेशन जो है वो आपके सरप्राइज हो जाती है तो यहाँ पे इसका यूज़ यही होता है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है वॉट इज़ द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ सी एस वी फाइल मतलब कि सिंपल वे में अगर हम कहें तो यहाँ पे पूछा गया है कि सी एस वी फाइल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी, अभी आपको सी एस वी फाइल की फुल फॉर्म बताई थी सी एस वी फाइल की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन स्लेश मैथड ऑफ सी एस वी मॉड्यूल मतलब कि जो सी एस वी मॉड्यूल होता है तो इसमें जो है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीडर भी होता है राइटर भी होता है और राइट रो भी होता है मतलब कि सी एस सी मॉड्यूल के अंदर ये तीनों ही फंक्शन होते हैं और यहाँ पर जो रीड फंक्शन है ये हमारा सी एस ई मॉडल के अंदर नहीं होता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पाइथन की फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपसे पूछी गई है तो सभी को इसका आंसर पता होगा इसका आंसर हो जाएगा सी डॉट पी वाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज योर इन पाइथन फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट मतलब कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज़ होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की तो उसका आंसर हो जाएगा डी मतलब कि जो हैश है वो हम लगाते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर पे इस पेपर में दे रखी हैं और बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही ईजिल जो है आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस पेपर में दे रखी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ वो यहाँ पे आपके वैसे ही रखे हुए हैं मतलब कि सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी तो बहुत इजीली जो है आप इसको कर पाओगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए मैंने जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास ट्वेल्व के नाम से तो उसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है सैंपल व्यवर भी मैं आपको दो करा चुका हूँ तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही आराम से जो है आप अपने पेपर को कर पाएंगे अगर आप जो है मेरी प्ले को देख लेते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन वाइनरी फाइल रिकॉर्ड बिन मतलब कि रिकॉर्ड के नाम से हमारी एक वाइनरी फाइल है और इस फाइल को अगर हमें ओपन करना हो राइट मोड में एंड साथ ही जो है यहाँ पे राइट करनी हो हमें ये वाली लिस्ट मतलब कि एक वायनरी फाइल है जिसको कि आपको ओपन करना है राइट मोड में और उसमें राइट करना है इस लिस्ट को तो इस काम को करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा मतलब कि आप लिखेंगे विद ओपन बाइनरी फाइल का नेम लिखेंगे और यहाँ पे देखिए W लिखा हुआ है मतलब कि राइट right मोड में आप ओपन कर रहे हैं और B लिखा हुआ है इसका मतलब बाइनरी फाइल के लिए और यहाँ पे देखिए लिखा है एज फाइल तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ओपन कराया मतलब विथ क्लॉज की हेल्प से जो है यहाँ पर हमने फाइल को ओपन करा है तो मैंने जब आपको बताया था कि फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं तो मैंने आपको ये भी तरीका बताया था तो देखिए यहाँ पे जो है पिकल मॉड्यूल के डम्प फंक्शन को यूज़ करा गया है और यहाँ पे जो है पहले डाला गया है लिस्ट को और उसके बाद में यहाँ पे रखा गया है फाइल ऑब्जेक्ट को मतलब कि माय फाइल के नाम से जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसकी हेल्प से जो हम वाइन रिफाइल को राइट मोड में ओपन कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है लिस्ट को हम राइट कर पाएंगे अगर बात करें इस वाले की तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है जिस ऑब्जेक्ट को हमें राइट करना होता है वो हमारा पहले आता है ना कि फाइल ऑब्जेक्ट पहले आता है तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट हैं इन सब में फाइल ऑब्जेक्ट पहले दे रखा है

तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हम जो है वैल्यूज को एक्सेस करते हैं की की हेल्प से ना कि की को एक्सेस करते हैं वैल्यूज की हेल्प से तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला भी सही है क्योंकि डिक्शनरी जो है वो हमारी ऑर्डर नहीं होती है और आपका डी वाला ही सही है क्योंकि डिक्शनरी जो है वो हमारी म्यूटेबल होती है तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा तो ये जो हमने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है अब बात करेंगे बी सेक्शन की जिसमें की क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका कि आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बात करते हैं बी सेक्शन की तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में क्या बोला गया है यहाँ पे जो है आपको कोड दे रखा है और बोला गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा और ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने ये दे रखे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है टी के नाम से यहाँ पे वैल्यू है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है और इसमें दे रखा है टी इंटू तो यहाँ पे देखिए हंड्रेड है मतलब की टी है इसकी वैल्यू हंड्रेड है जब इसको इंटू टू किया जाएगा तो ये हो जाएगी टू हंड्रेड इसका जो आउटपुट होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला मतलब कि 200 जो होगा वो इसका आउटपुट हो जाएगा अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और इसका आंसर कर दें आपका डी वाला मतलब कि उन्हें लगेगा कि ये जो है टपल है तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे मतलब कि रेप्लिकेट हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए टपल नहीं है इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज मत होना क्योंकि मैंने आपको टपल में बताया था कि टपल में कभी भी आपका सिंगल एलिमेंट इस तरीके से नहीं रहता है अगर आपका सिंगल एलिमेंट होगा तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा तो ये जो है इसीलिए टपल नहीं है सिंपल क्या है एक बैरिया है जिसकी वैल्यू हंड्रेड है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे टू हंड्रेड हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बोला गया कि एक फ़ाइल आपके पास में माई फाइल डॉट टी एक्स टी और यहाँ पे जो है इस फाइल के अंदर ये कॉन्टेंट है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ये कोड लिखेंगे हम ये वाला कोड तो आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पे इस कोड की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे रीड लाइन्स मेथड की हेल्प से यहाँ पे जो लाइन्स हैं उनको रीड किया जा रहा है मतलब कि डेटा वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएंगी पूरी लाइन्स आ जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में और इसके बाद में देखिए उसकी लेंथ को यहाँ पर चेक किया गया है तो लेंथ को चेक किया गया है तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी वन टू थ्री फोर मतलब कि जो लेंथ होगी वो आपकी फोर हो जाएगी तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए रीड लाइन्स लगा हुआ है तो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ये आएगा तो लिस्ट के जो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं सिंपली तो इसलिए इसका आंसर फोर हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है ये कोड जो दे रखा है इसका आउटपुट पूछा गया है तो यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा मतलब कि जो एक्स है वो यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट है और यहाँ पर बाई वेरिएबल के अंदर मतलब बाई के अंदर हम वैल्यू किसकी ले रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं हम फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू तो फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें इसमें कौन सा हो गया देखिए जो लिस्ट हमारी पूरी तो इसको मिलेगा जीरो और इसको मिलेगा वन मतलब कि इस पूरी लिस्ट को जो है फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है मतलब कि इस लिस्ट की बात हो रही है और इसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स की मतलब कि इस वाले इंडेक्स की देखिए जीरो हो गया ये हमारा ये वन हो गया और ये जो है टू हो गया तो मतलब क्या हुआ जो फिफ्टीन है वो हमारा आ जाएगा वाई के अंदर और जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो इसका आंसर जो है फिफ्टीन हो जाएगा मतलब कि डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की तो इस क्वेश्चन में देखिए इस कोड का आउटपुट आपसे पूछा गया है इस कोड का आउटपुट आपको बताना है कि क्या होगा तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट होगा सी वाला ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कैसे होगा देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है और इसके बाद में बोला गया है वाइल एक्स लेस देन नाइन मतलब कि जब तक नाइन से लेस देन रहे वैल्यू एक्स की तब तक हमारा ये लूप चले और लूप चले तो क्या हो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए और जो वैल्यू प्रिंट हो वो आपकी एक ही लाइन में हो क्योंकि यहाँ पे हमने एंड आर्ग्यूमेंट लगा दिया तो एक ही लाइन में आएंगी तो यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू टू है तो टू आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद में देखिए एक्स की वैल्यू हो रही है एक्स प्लस वन मतलब कि थ्री हो जाएगी तो थ्री आ जाएगी फिर आपके फोर आ जाएगी फिर फाइव आएगी फिर सिक्स आएगी फिर सेवन और फिर, 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 फिर एट जब तक नाइन से कम रहेगा तब तक हमारा लुक चलता रहेगा और उसके बाद में एंड हो जाएगा तो इस तरीके से ये वाला जो है हमारा आउटपुट करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है ये आउटपुट आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में इस कोड का आउटपुट पूछा गया है अब इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट हो जाएगा थर्ट सिक्स अब ये थर्टी सिक्स किस तरीके से होगा यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से थर्टी सिक्स आउटपुट आएगा यहाँ पर एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वन है और यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगा हुआ है फॉर लूप में बोला गया है फॉर ए इन रेंज वन कॉमा टेन कॉमा टू मतलब कि यहाँ पे वन से लेकर टेन तक की रेंज है और दो की स्टैपिंग करी गई है मतलब टू की जो यहाँ पे स्टैपिंग की गई है तो यहाँ पे क्या होगा जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ए के पास में जो है वैल्यू जाएगी वन और वन प्लस यहाँ पे देखिए टू दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस टू मतलब कि थ्री हो जाएगा और थ्री में प्लस क्या हो जाएगा वन की वैल्यू मतलब कि जो बी की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी तो यहाँ पे जो है पहली बार जब लूप चलेगा तो फोर वैल्यू हो जाएगी बी की इसके बाद में देखिए टू की स्टैपिंग है तो यहाँ से टू नहीं जाएगा क्या जाएगा सीधे थ्री जाएगा तो थ्री जब जाएगा यहाँ पर तो थ्री प्लस टू हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा फाइव और फाइव में प्लस हो जाएगा फोर तो हो जाएगा आपका नाइन मतलब कि अब जो है बी की वैल्यू नाइन हो चुकी है इसके बाद में यहाँ से जाएगा फाइव जब फाइव जाएगा तो यहाँ पे फाइव प्लस टू सेवन हो जाएगा और सेवन में प्लस होगा नाइन मतलब कि बी की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी तो सेवन प्लस नाइन आपका कितना हो जाएगा सेवन प्लस नाइन हो गया सिक्सटीन इस तरीके से सिक्सटीन जो है वैल्यू बी की हो चुकी है इसके बाद में अगेन जब ये लूप चलेगा तो वैल्यू जाएगी यहाँ से सेवन ए के पास में और सेवन प्लस टू हो जाएगा नाइन और नाइन प्लस हो जाएगा किस में सिक्सटीन में जब नाइन सिक्सटीन में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव यहाँ पे हो चुका है इसके बाद में अगेन लूप चलेगा और यहाँ से जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी इस बार नाइन जब नाइन जाएगी वैल्यू तो नाइन प्लस टू हो जाएगा इलेवन और इलेवन प्लस होगा ट्वेंटी फाइव में तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्टी सिक्स और इसके बाद में ये लूप आपका एंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेगा टेन जो है यहाँ पे जाएगा नहीं तो इसलिए लूप एंड हो जाएगा इसके बाद में बी को प्रिंट कर दिया गया तो बी की जो वैल्यू है वो थर्ट सिक्स हो चुकी है तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आ रहा है वो थर्टी सिक्स आ रहा है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पर थर्टी सिक्स आउटपुट आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में जो है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है कि जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो आएगा आपका थ्री और ये थ्री कैसे आएगा देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट वन के नाम से एक लिस्ट दे रखी है और इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है लिस्ट वन में जो है इंसर्ट मेथड की हेल्प से वैल्यू को ऐड किया गया है मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि थर्ड इंडेक्स पे जो है फ़ोर वैल्यू को डाल दो तो थर्ड इंडेक्स पे अभी वैल्यू क्या है देखिए जीरो वन टू थ्री मतलब कि ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव को यहाँ से हटा के क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे फोर आ गया है और ये ट्वेंटी है वो हमारे यहाँ से हट के कहाँ हो जाएगा आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब कि ये जो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा तो इस तरीके से हमारी लिस्ट हो जाएगी और इसके बाद में जो है यहाँ पर थर्टी रहेगा तो ये जो हमारी लिस्ट इस तरीके से बन जाएगी इसके बाद में देखिए इस लिस्ट में दोबारा से इंसर्ट की गई है वैल्यू और यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करो थ्री को मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है ट्वेंटी है तो इस ट्वेंटी को हटा के यहाँ पे क्या कर दो थ्री डाल दो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री और जो ट्वेंटी है वो हमारा चला जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे मतलब कि ये चला जाएगा हमारा थर्ड इंडेक्स पे इस तरीके से तो अभी हमारी लिस्ट क्या बनेगी मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ टेन आएगा इसके बाद में देखिए हमारा आएगा फिफ्टीन फिर आएगा हमारा क्या थ्री आ जाएगा इसके बाद में जो हमारा आ जाएगा ट्वेंटी एंड देन आएगा हमारा क्या यहाँ पे फोर और इसके बाद में जो हमारा ट्वेंटी फाइव आएगा देन आएगा हमारा थर्टी मतलब कि जो लिस्ट है वो हमारी इस तरीके से बन जाएगी अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कराया गया माइनस फाइव इंडेक्स को तो माइनस फाइव इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव तो माइनस फाइव पर जो है वो हमारा थ्री है तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू थ्री आ जाएगी और जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो इसका बी आंसर हो रहा है मतलब कि थ्री जो है वो आंसर कैसे आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में एक टपल है टपल वन के नाम से इस तरीके से टप वन के नाम से टपल है और यहाँ पर बोला गया है कि एक बाइनरी फाइल है टेस्ट के नाम से तो इसमें जो है आपको इस टपल वन को राइट करना है तो राइट करने के लिए जो है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक जगह जो दी गई है तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डम टपल वन और इसके बाद में माय फाइल माय फाइल क्या है? हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है और जो टपल वन है वो हमारा यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है जिसको हम राइट करना चाहते हैं तो डम मेथड की हेल्प से ये काम हो जाएगा पहले वाला आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है फाइल ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और इसके अलावा सी वाले की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे राइट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है और लोड जो यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी वाला हो जाएगा आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बोला गया है कि एक, एक एम्प्लॉय के नाम से वाइनरी फाइल है जिसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्टेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराने के लिए इस तरीके से फंक्शन को लिखा गया है और फंक्शन को कॉल करता टाइम जब इस तरीके से वन जीरो थ्री वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे पास हो रही है वन जीरो थ्री वैल्यू तो कह रहे हैं कि जब इसको वन जीरो थ्री दे रहे हैं तो ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है अब ये आउटपुट क्यों आ रहा है तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होगा जिसकी वजह से ये आउटपुट आएगा मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं जंप है ब्रेक है कॉन्टीन्यू और रिटर्न है तो यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लगेगा जिसकी वजह से जो है आपका आउटपुट ये आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू क्यों आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है सारी वैल्यू जो है आपकी प्लस होंगी लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी वन जीरो थ्री वाली वैल्यू जो है प्लस नहीं होगी तो जैसी वन जीरो थ्री पे आए क्या हो जाए कॉन्टिन्यू यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगा रखा है तो जब हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो उस वैल्यू को स्किप करके वो आगे के लिए कंटिन्यू हो जाता है तो यहाँ पर जो वन जीरो थ्री वाला है इसको ये स्किप कर देगा मतलब इस रिकॉर्ड को ये रीड नहीं करेगा इसको एड यहाँ पे नहीं करेगा इस वाले वेरिएबल में जो है ये प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आर के जीरो इंडेक्स मतलब कि आर के जीरो इंडेक्स पे जो है एम्प्लॉय नंबर रहेंगे तो यहाँ पे जैसी वन जीरो थ्री हो क्योंकि ई e नंबर की वैल्यू वन जीरो थ्री है तो उसके इक्वलेंट जैसी हो तो क्या हो जाए कंटिन्यू हो जाए मतलब कि उस वाले को स्किप करके आगे के लिए मूव हो जाए तो इस वाले को छोड़ के बाकी को अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा वो हमारा आउटपुट जो होगा वो ये आ जाएगा मतलब कि वन लैख नाइन्टी थाउजेंड आ जाएगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है और इसका आंसर जो है यहाँ पे सी क्यों हो रहा है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है तो इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा नन अब नन क्यों मिलेगा देखिए यहाँ पे जो है एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर नम वन और नम टू के नाम से इसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया गया है और प्लस करने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो फंक्शन को जैसे ही कॉल किया जा रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे ट्वेंटी नम वन में चला जाएगा और थर्टी नम टू में चला जाएगा और इसके बाद में ये दोनों प्लस हो जाएंगे मतलब कि यहाँ पे सम की वैल्यू जो है वो फिफ्टी हो जाएगी लेकिन यहाँ पे फिफ्टी तो हो जाएगी लेकिन यहाँ से जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया गया है तो जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं, तो नहीं कर रहा है ये फंक्शन तो इसीलिए इस वाले सम में जो है कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा नन क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो नन कर रहा है यहाँ से तो इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा वो नन हो जाएगा अगर जो यहाँ पे हम रिटर्न करते थे सम को तो हमारा आउटपुट जो है फिफ्टी आता तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा मतलब कि नन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है और इसको इवेल्युएट करने के बाद में इनमें से कौन सा जो है आपका आउटपुट आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मतलब कि 18 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 18 किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है हमारा क्या 4 प्लस टू तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले पार्ट को तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स इसके बाद में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी हाई है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एट और इसके बाद में अगर हम बात करें प्रायोरिटी की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है सिक्स इंटू फाइव मतलब कि यहाँ पे थर्टी हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे जो हमारा थर्टी हो चुका है और यहाँ पे हमारा एट था तो एट की मल्टीप्लीकेशन होगी फोर में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्टी टू इस तरीके से आपका जो है और बीच में आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हमारा माइनस था उसके बाद में यहाँ पे सिक्सटीन है तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिक्सटीन में से माइनस करेंगे थर्टी को तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का कितना बचेगा फोर्टीन बचेगा मतलब कि नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पे फोर्टीन आएगा माइनस का फोर्टीन आएगा इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस का है थर्टी टू और प्लस थर्टी टू में से जो हम माइनस करेंगे फोर्टीन को तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एटीन आ जाएगा मतलब कि एटीन जो है हमारा बचेगा तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो एटीन हो जाएगा तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पे एटीन आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्या है देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है कि जब ये कोड चलेगा तो यहाँ पे जो है क्या आउटपुट आपका आएगा इनमें से तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड के आउटपुट की तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे जो हमारा एक फंक्शन है और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो है दो आर्ग्यूमेंट है कह सकते हैं दो पैरामीटर हैं और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है जब फंक्शन को कॉल किया गया है प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर देखिए फंक्शन को दो बार कॉल किया गया है एक बार ये कॉलिंग हो रही है और एक बार ये कॉलिंग हो रही है तो फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ है तो यहाँ पर जो है वैल्यू पास करिए फिफ्टी तो फिफ्टी जो है पहले वाले बेरेबल में चली जाएगी मतलब कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आर्गमेंट है वहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी अब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिफ्टी तो यहाँ पे 50 वैल्यू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस टेन मतलब कि 60 वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे वेर टू की जो वैल्यू है वो है 200 तो यहाँ पे बोला गया है वेर टू की वैल्यू क्या हो जाए माइनस टेन मतलब कि वन जो है वैल्यू हो जाएगी किसकी वेर टू की और इसके बाद में रिटर्न क्या करा गया है वेर वन प्लस वैर टू इन दोनों को प्लस करके रिटर्न किया गया है तो वेर वन की वैल्यू है सिक्सटी और वेर टू की वैल्यू है वन नाइन्टी तो वन प्लस सिक्सटी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 250 मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा 250 आ जाएगा इस तरीके से 250 फिफ्टी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा देखिए 250 आ रहा है और इसके बाद में देखिए दोबारा से जो कॉलिंग होगी दोबारा से कॉलिंग होगी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई है तो मतलब यहाँ पर हंड्रेड ही रहेगा और यहाँ पर टू ही रहेगा तो हंड्रेड में प्लस होगा तो टेन तो वन हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन हो जाएगा यहाँ पर मतलब कि वैर वन की जो वैल्यू है वो वन हंड्रेड टेन हो जाएगी और वेर टू की वैल्यू टू हंड्रेड है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस टेन हो जाएगी मतलब कि इसकी वैल्यू वन नाइन्टी हो जाएगी और वन नाइनटी प्लस वन टेन कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थ्री हंड्रेड तो मतलब कि ये वाला आउटपुट हमारा करेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आई होप हम लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में बोला गया है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से क्या जो है आपका आउटपुट आएगा तो यहाँ पे बात करते हैं इस कोड की जब ये कोड चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा देखिए यहाँ पे वैल्यू के नाम से एक बैरेवल है जिसकी वैल्यू है फिफ्टी और यहाँ पे देखिए क्या कराया गया है यहाँ पे जो है इसको प्रिंट कराया गया है मतलब कि वैल्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी मतलब कि फिफ्टी आ जाएगा पहले और उसके बाद में जो है यहाँ पर हैश आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा ठीक है और इसके बाद में देखिए डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है इसको कॉल किया गया है और कॉलिंग के टाइम पर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है वैल्यू पास करी गई है ट्वेंटी मतलब कि जो एन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी यहाँ पे हो जाएगी एन की वैल्यू हो गई है ट्वेंटी और इसके बाद में बोला गया है ग्लोबल वैल्यू मतलब कि यहाँ पे ग्लोबल की को यूज़ किया गया है तो जो भी यहाँ पे चेंज होगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या करा गया है बोला गया है वैल्यू इक्वल ट्वेंटी फाइव मतलब कि जो वैल्यू है अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है ट्वेंटी फाइव हो गई है वैल्यू वाले वेरेबल की वैल्यू ट्वेंटी फाइव हो गई है और इसके बाद में बोला गया है कि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है एन की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी ये अगर आपकी सेवन से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर ज़ीरो रहता है तो क्या कर दो जो वैल्यू वाला वेरिएबल है उसमें प्लस कर दो एन की वैल्यू और उसके बाद में वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा क्या करें यहाँ पे जो है वैल्यू वाले वेरिएबल में से माइनस कर दो एन की वैल्यू को तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि एन की वैल्यू क्या है हमारी ट्वेंटी है अब यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस करा जा रहा है मतलब कि ट्वेंटी जो वैल्यू है वो यहाँ से माइनस हो रही है तो 25 में से माइनस होगा 20 तो आपका 5 बचेगा मतलब कि वैल्यू वाले वेरिएबल की अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी अब जब वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा तो आपका जो आउटपुट होगा वो 5 आएगा तो इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 50 हैश और 5 आपका आ जाएगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये आउटपुट किस तरीके से आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखिए आपका रैंडम फंक्शन पे बेस्ड है यहाँ पे देखिए रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड है क्वेश्चन तो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से इसका आउटपुट क्या होगा ये जो कोड है हमारा एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या होगा तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी एक लिस्ट है ये वाली और यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है यहाँ पे बोला गया है फॉर वाई इन रेंज फोर मतलब कि लूप है वो हमारा टोटल फोर टाइम चलेगा क्योंकि यहाँ पे रेंज बनेगी जीरो कॉमा फोर की तो लूप हमारा फ़ोर टाइम चलेगा और जब फोर टाइम चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे फोर टाइम आपकी पिक होंगी मतलब कि यहाँ पर रेंज दिया हमने यहाँ पे बोला है वन कॉमा थ्री तो रेंडिट लगा हुआ है तो रेंडिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेंडेड में आपके अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है मतलब कि वन से लेकर थ्री तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है तो यहाँ पे वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है और थ्री भी वैल्यू एक्स की हो सकती है और उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराया गया है और लिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पर डाल दिया स्लाइसिंग में एक्स को तो जो भी वैल्यू एक्स की आएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही एलिमेंट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अगर वन आती है तो यहाँ पे क्या होगा ये प्रिंट होगा अगर टू आती है तो ये प्रिंट होगा और थ्री आती है तो ये प्रिंट होगा तो इस तरीके से जो है इनमें से एलिमेंट प्रिंट होंगे और यहाँ पर देखिए जो एक्स की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी ये जीरो इंडेक्स को पिक नहीं करेगा मतलब कि जीरो इंडेक्स को ये प्रिंट नहीं करेगा तो जीरो इंडेक्स पे क्या है डेली है तो इसका मतलब ये हुआ डेली वाला ऑप्शन कभी भी आपका इसका आउटपुट नहीं हो सकता यहाँ पर जो है डेली वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा अब अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मतलब कि ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी वाला क्यों नहीं होगा देखिए डी वाले में यहाँ पे हैश नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक के बाद में हैश प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे भी हैश लगा हुआ होना चाहिए था तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा क्योंकि हमारे जो लूप है यहाँ पे फोर टाइम चलेगा तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो है पिक कर सकता है तो ये जो वैल्यू है वो हमारी इसमें आ जाएंगी मतलब कि जो लूप हमारा फोर टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो है वन इंडेक्स से लेके कर थ्री इंडेक्स तक की ही वैल्यू आएंगी तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में आपसे इस कोड का आउटपुट पूछा गया है कि यहाँ पे ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा इन में से तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसको मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा चेंज बैल के नाम से और यहाँ पर जो है दो आर्ग्यूमेंट है एम के नाम से और यहाँ पर देखिए फंक्शन है उसको कॉल किया गया है और कॉलिंग में देखिए यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट दिया है एल और सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिया है यहाँ पर फोर तो यहाँ पे होगा क्या एल क्या है हमारी एक लिस्ट है तो जो लिस्ट होगी वो चली जाएगी हमारे कहाँ पे एम में और जो फोर है वो चले जाएगा हमारा एन में इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी फिर यहाँ पे देखो बोला क्या है जो लूप है वो हमारा क्या चलेगा एन की रेंज में चलेगा मतलब कि फ़ोर की रेंज में चलेगा तो यहाँ पर रेंज बन जाएगी जीरो काम फोर मतलब कि जो लूप है हमारा फ़ोर टाइम चलेगा और इसके बाद में यहाँ पर कंडीशन दी है कि यहाँ पर जो एम का आई इंडेक्स है क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर होगी जीरो तो यहाँ पे बोला है कि जो एम का आई इंडेक्स है अगर वो आपका फाइव से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर जीरो रहता है तो क्या करो उसको फाइव से डिवाइड करके जो वैल्यू आए वो उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो और इसके बाद में देखिए यहाँ अगेन इफ लगा हुआ है मतलब कि दोबारा से जो है उसी इंडेक्स को ये चेक करेगा कि अगर वो हमारा थ्री से डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो क्या करें यहाँ पर थ्री से डिवाइड करें और जो वैल्यू बने उसको उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई के पास में वैल्यू जाएगी ज़ीरो और यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो जीरो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर जीरो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव से डिवाइड करने पे ये जो है यहाँ पे फाइव आ जाएगा और इसके बाद में देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो इसीलिए लिए यहाँ पर जो है फाइव ऑनली रहेगा मतलब कि फाइव ही यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू वन हो जाएगी वन का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एट तो एट के केस में ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे जो है हमारा एट का एट ही रहेगा इसके बाद में ये लोग अगेन चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू मिलेगी टू और टू का मतलब हो गया सेकंड इंडेक्स मतलब कि यहाँ पर टू आ जाएगा तो सेकंड इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स पे क्या है सेवेंटी अब सेवेंटी है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो इसको फाइव से डिवाइड करने के बाद में कितना हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन जो है हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो 15 है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा तो इसीलिए इस इंडेक्स पे क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी तो अभी तक क्या हो चुका है यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ पे 5 आ चुका है इसके बाद में लूप अगेन चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री और थ्री होगी तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर थ्री आ जाएगा और थ्री का मतलब है थर्ड इंडेक्स तो थर्ड इंडेक्स का मतलब है ट्वेल्व तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी ट्वेल्व के केस में आपकी कंडीशन ट्रू होगी ये वाली जब ये ट्रू होगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फोर यहाँ पे जो है फोर आपका इंसर्ट हो जाएगा तो आपकी लिस्ट बनेगी फाइव एट फाइव फोर ये लिस्ट बनेगी इसके बाद में इस लिस्ट को जो है लोग के हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर दिया है तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू जो है आ गई है क्या आ रही हमारी यहाँ पे जो हमारा पहले फाइव आएगा फिर एट आएगा फिर फाइव आएगा और फिर फोर आएगा यहाँ पे जो है हैश प्रिंट कर दिया तो हैश भी हमारा इस तरीके से आएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी में देखिए क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया है कि माई फाइल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है और यहाँ पे बोला गया है कि जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा ये वाला जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है फाइल को ओपन करके उसको रीड किया जा रहा है और रीड करने के बाद में देखिए यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन को लगाया गया है तो स्प्लिट फंक्शन को जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा जितना भी कंटेंट होगा वो स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा मतलब कि जितनी भी लाइन है यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं वो स्पेस से स्प्लिट हो जाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे जो है पूरी की पूरी एक आ लिस्ट आ जाएगी रिकॉर्ड वाले वेरिएबल में यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी और सारे जो एलिमेंट होंगे वो कैसे फॉर्म में आ जाएंगे मतलब ये जो हमारे वर्ड एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से एलिमेंट ये हमारे बन जाएंगे लिस्ट के तो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड वाली लिस्ट की जो है लेंथ को प्रिंट करा गया है तो लेंथ क्या होगी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा मतलब कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन की तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी वन है इसके जो ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दे रखे हैं सी बी एस ई ने मतलब कि जो इसकी मार्किंग स्कीम है उसमें भी गलत आंसर इसका दे रखा है यहाँ पे देखिए इनमें से कोई भी जो है आंसर इसका नहीं बनेगा मतलब कि जो आउटपुट कैलकुलेट होगा वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा देखिए यहाँ पर हो गया रहा है नेम के नाम से जो है एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर ये यह वैल्यू है इस तरीके से मतलब कि ये स्ट्रिंग हमारी नेम के नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर ये स्ट्रिंग है अब यहाँ पर देखिए आर के नाम से एम टी ली है और इसके बाद में यहाँ पे लूप लगाया और लूप में बोला है कि लूप हमारा कब तक चले जो भी लेंथ है यहाँ पे नेम की वहाँ तक हमारा चले तो नेम की लेंथ क्या है देखिए नेम की लेंथ को काउंट कर लेते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मतलब कि नाइन जो है लेंथ है तो इसका मतलब ये हुआ जो लूप हमारा नाइन टाइम चलेगा और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे एक्स को वैल्यू मिलेगी तो एक्स वाला जो इंडेक्स है अगर आपका वो है इज़ अपर तो उसको लोअर कर दो और अगर वो लोअर है तो उसको अपर कर दो और डिजिट है तो क्या कर दो उस इंडेक्स में से माइनस वन कर दो और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या कर दो उस स्ट्रिंग में क्या कर दो सिंपली हैश को ऐड कर दो मतलब कि जो आर वाली स्ट्रिंग है उसमें हैश को ऐड कर दो तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा देखिए सबसे पहले जब लूप चलेगा तो एक्स को वैल्यू मिलेगी ज़ीरो और जीरो का मतलब हो गया जीरो इंडेक्स मतलब कि ये इंडेक्स तो ये हमारा कैसा है देखिए इज अपर में है तो ये हो जाएगा लोअर में तो सिंपल सी बात है जहां पे लोअर होगा वहां पे अपर हो जाएगा और जहां पे अपर है वहां लोअर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए पी स्मॉल में हो जाएगा वाई आपका कैपिटल में हो जाएगा टी कैपिटल में हो जाएगा एस कैपिटल में हो जाएगा ओ कैपिटल में हो जाएगा और एन जो है वो आपका स्मॉल में हो जाएगा तो यहाँ तक तो इस तरीके से हो जाएगा इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है थ्री है तो थ्री के केस में क्या हो रहा है ये आपकी डिजिट है और डिजिट के केस में क्या होगा यहाँ पे बोला है कि जो इंडेक्स है उसमें से माइनस वन कर दो तो माइनस वन करने के बाद में हमारा कौन सा इंडेक्स हो जाएगा एन वाला और बोल रहे हैं कि उसी को इसी इंडेक्स पे प्लस कर दो मतलब कि इस वाली स्ट्रिंग में प्लस कर दो तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे भी कैपिटल एन आ जाएगा इसके बाद में डॉट जा रहा है तो इनमें से कोई सी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हैश सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर जो है हैश आ जाएगा इसके बाद में देखिए यहाँ पर वन है तो वन के केस में क्या होगा माइनस वन हो जाएगा माइनस वन का मतलब है ये वाला इंडेक्स और इसी इंडेक्स पर क्या है डॉट है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आ जाएगी डॉट मतलब कि यहाँ पे डॉट आ जाएगा तो यहाँ तक तो आपका क्या रहेगा जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएगा जो कैपिटल है वो आपका स्मॉल में हो जाएगा और इसके बाद में देखिए ये एन वाला आएगा मतलब कि डबल एन आएगा और हैश आएगा इसके बाद में आपका डॉट आएगा तो ये जो है आपका आउटपुट बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सी बी ने इसका आंसर गलत दे रखा है अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको इनमें से कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा आउटपुट आपको देखने को क्या मिलेगा देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या आउटपुट आएगा मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्मॉल पी फिर हो जाएगा कैपिटल बाय फिर हो जाएगा टी और इसके बाद में एच रहेगा कैपिटल में फिर हमारा ओ रहेगा कैपिटल में इसके बाद में एन रहेगा स्मॉल में और देन जो है इसके बाद में फिर हमारा क्या आएगा कैपिटल एन आएगा और फिर आएगा हमारा यहाँ पे हैश इस तरीके से जो है हैश आएगा और फिर जो है हमारा डॉट आएगा तो ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं स्पाइडर आइडिल के अंदर आ गया हूँ और उस कोड को जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको तो देखिए जैसे मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ रहा है जो मैंने आपको आउटपुट बताया वही यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर जो सी बी ने आउटपुट दे रखा है वो गलत दे रखा है इनमें से कोई सा जो हमारा आउटपुट नहीं आएगा तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेना आप लोग अगर मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करके उससे आंसर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आ रहा है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में बोला है कि यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फाइल है माई फाइल के नाम से और इसके अंदर जो है ये कॉन्टेंट है तो यहाँ पर इस कोड को लिखने के बाद में जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पर देखिए इस कोड में क्या हो रहा है फाइल को ओपन किया गया है फिर फाइल को रीड किया गया है मतलब कि सारा कॉन्टेंट यहाँ पर रीड हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर एक्स की लेंथ को प्रिंट करा गया है तो एक्स की लेंथ क्या होगी देखिए यहाँ पर सारा का सारा डेटा आ रहा है एक्स के पास में तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर लेंथ को काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन यहाँ पर डॉट भी है तो इसका जो आंसर होगा वो ट्वेंटी सेवन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पूरे के पूरे करैक्टर स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएंगे तो सारे करैक्टर्स को आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे मतलब कि लेंथ उनकी चेक करेंगे तो आपकी लेंथ जो है ट्वेंटी सेवन आ जाएगी तो इसीलिए इसका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में भी ये बोला गया है कि यहाँ पर माई फाइल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कॉन्टेंट है और यहाँ पर बोला गया है कि इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पर इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइल को ओपन किया गया है फिर फाइल को रीड किया गया है और इसके बाद में बोला है कि जो दा है उसको काउंट करो काउंट मेथड की हेल्प से यहाँ पे काउंट किया गया कि दा जो है वो कितनी बार यहाँ पे है तो अगर हम बात करें काउंट करने के बाद में कितनी बार है दन टू थ्री तो यहाँ पे देखिए दा है वो थ्री बार है मतलब कि इस कोड को रन करने के बाद में जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर जो है वो आपका थ्री हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्या है यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने ये रहे तो इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक वेरिएबल है एक्स के नाम से और यहाँ पे क्या करा गया है इसको प्रिंट कर दिया गया है देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट करा गया है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी थ्री और इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्पेस आएगा फिर जो है यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है और फंक्शन में देखिए कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करा है तो यहाँ पे क्या होगा सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एक्स मतलब कि यहाँ अगर फंक्शन के अंदर चेंज किया जाएगी वैल्यू तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे क्या कर दिया है एक्स में कर दिया है प्लस टू मतलब क्या हुआ एक्स की न्यू वैल्यू हो गई है फाइव तो वैल्यू जो है यहाँ पर भी फाइव आ गई है इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट करा गया है एक्स की वैल्यू को तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगा फाइव और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है स्पेस दिया गया है तो इसका अभी तक आउटपुट हो गया है थ्री एंड फाइव इस तरीके से आपका आ चुका है और उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर से एक्स को प्रिंट करा गया है तो एक्स की वैल्यू अब फाइव हो चुकी है इसके बाद में फिर आपका फाइव आ जाएगा तो थ्री फाइव फाइव ये आपका आंसर आएगा मतलब कि यहाँ पे जो है आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव की तो इसमें बोला गया है कि माई फाइल के नाम से एक टैक्स फाइल है और इसके अंदर ये कॉन्टेंट है और यहाँ पर बोला गया है कि जब ये कोड चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा तो इस कोड की बात करें कि इस कोड में क्या हो रहा है तो देखिए यहाँ पर फाइल को ओपन किया गया है इसके बाद में जो है यहाँ पर एक बैरेबल लिया गया है बी लिस्ट के नाम से और यहाँ पर लगाया गया है लिस्ट फंक्शन को और लिस्ट फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर स्टिंग को रख दिया गया है तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा जो स्टिंग के करेक्टर हैं इनको लिस्ट में फॉर्म करके यहाँ बी लिस्ट वाले वेरेबल में रख देगा मतलब कि यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ जाएगी और जो करैक्टर हैं वो हमारे लिस्ट के एलिमेंट में रहेंगे इसके बाद में बी सी के नाम से यहाँ पर वेरेबल लिया है जिसको जीरो से सेलाइज कर दिया है और इसके बाद में फाइल को रीड किया गया है एक्स वाले वेरेबल मतलब कि यहाँ पे एक्स वाले वेरेबल में जो फाइल का कंटेंट है वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा ये कंटेंट यहाँ पे एक्स के अंदर आ जाएगा फिर इसके बाद में यहाँ पे फॉल लूप लगाया गया और बोला गया है फॉर वाई इन एक्स मतलब कि एक्स के पास में जो भी स्ट्रिंग है वो करेक्टर वाइज किसके पास में जाएगी वाई के पास में एक एक करेक्टर क्या होगा यहाँ पे वाई के पास में आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे बोला गया है इसके बाद में इफ़ वाई इन बी लिस्ट मतलब कि वाई के पास में जो वैल्यू आती है अगर वो बी लिस्ट में है तो उस केस में क्या करो बी सी की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दो मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू में प्लस वन कर दो तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो कि यहाँ पे हमारे मैच कर रहे हैं मतलब कि बी लिस्ट के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं उससे मैच कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ई e है एक बार वैल्यू बढ़ेगी फिर यहाँ पे ए है दो बार वैल्यू बढ़ेगी और फिर ए आया है तो यहाँ पे तीन बार वैल्यू बढ़ जाएगी फिर जो है आपका ए e आया है फोर टाइम वैल्यू बढ़ेगी फिर जो है यहाँ पर आया आपकी फ़ाइव टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी इसके बाद में जो है सिक्स टाइम वैल्यू बढ़ेगी और इसके बाद जो है सेवन टाइम आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब क्या हुआ टोटल जो वैल्यू होगी वो आपकी सेवन हो जाएगी किसकी बी की तो बी को जब प्रिंट करा जाएगा तो इसका आउटपुट जो है वो सेवन आ जाएगा मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की तो यहाँ पे भी बोला गया है कि माई फाइल के नाम से टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट है और यहाँ पे इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आपका आएगा ऑप्शन आपके सामने ये रहे तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर फाइल को ओपन किया गया है फिर लाइन काउंट के नाम से बैरेवर लिया है जिसको जीरो सेइज़ कर दिया है और यहाँ पे डेटा वाले वेरिएबल में जो है यहाँ पे पूरी फाइल को रीड करना है विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन्स मेथड तो रीड लाइन्स में क्या होता है जितना भी कॉन्टेंट है वो क्या होगा हमारी लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा मतलब कि ये जो लाइन है वो लिस्ट के फॉर्म में डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएंगी इस तरीके से जो है एलिमेंट में रहेंगी लिस्ट के ये लाइन्स और इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि जो लाइन है हमारी उसका जीरो इंडेक्स अगर आपका टी है मतलब कि टी वाले स्ट्रिंग से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो काउंट की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो मतलब कि इसकी वैल्यू को प्लस कर दो वन तो यहाँ पे होगा क्या कितनी लाइन है जो कि टी से स्टार्ट हो रही है तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है तो ये दोनों लाइन जो है वो हमारे लिस्ट के एलिमेंट में तो इसका मतलब ये हुआ जो जीरो थे एलिमेंट है वहाँ पर दो ही ऐसी लाइन है जो कि टी से स्टार्ट हो रही हैं तो दो बार जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसीलिए जब इसको प्रिंट करा जाएगा तो इसका आउटपुट जो है वो टू आएगा मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सेवन तो इसमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग डायरेक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कि इस स्ट्रक्चर को जो है आपको कंसिडर करना है और आपको बताना है कि अगर आपके रूट डायरेक्टरी जो है वो स्कूल है और आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी भी वही है मतलब कि दोनों डायरेक्टरी जो है वो आपके सेम है तो आपकी जो सिलेबस जेपीजी वाली फाइल है इसका पाथ क्या होगा तो सिंपल सी बात है इसका पाथ जो है वो आपका बी वाला हो जाएगा मतलब कि क्या हुआ स्कूल के अंदर जो है अकेडमिक और अकेडमिक के अंदर जो है आपका सिलेबस जेपीजी तो इस तरीके से इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो है आपके पास में एक टेक्स्ट फाइल है स्टूडेंट के नाम से और इसके अंदर ये कंटेंट है तो यहाँ पे देखिए जो कोड दे रखा है इस कोड में जो आपका डेटा रैक है इसका डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है इसका डेटा टाइप क्या होगा और ऑप्शन आपके सामने ये हैं तो सिंपल सी बात है डेटा रैक का जो डेटा टाइप होगा वो आपका लिस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन कौन सा लग रहा है रीड लाइन्स रीडलाइंस मेथड का यहाँ पे यूज किया गया है तो ये क्या करता है रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी लिस्ट इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन की तो यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है क्या आउटपुट आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक टपल है और टप्पल के अंदर दो एलिमेंट ये हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट टाइप का है तो यहाँ पे जो है लिस्ट टाइप वाले एलिमेंट में मॉडिफिकेशन किया गया है मतलब कि यहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट पे मॉडिफिकेशन किया गया है ये हो गया जीरो हो गया वन और ये हो गया टू तो मतलब कि ये जो है हमारा ये एलिमेंट है और इसमें बोला गया है कि इसके भी वन इंडेक्स पे मतलब कि इस वाले इंडेक्स पे ये जीरो हो गया ये वन हो गया तो थ्री पॉइंट फोर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि लिस्ट टाइप का एलिमेंट है तो यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा अगर ये नॉर्मल टपल होता तो यहाँ पे आपको एरर मिलता मतलब कि यहाँ पे जो है आप चेंज नहीं कर पाते लेकिन हम जो है लिस्ट वाले एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से जो आपका चेंज हो जाता है तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट जो है वो आपका हो जाएगा ये वाला मतलब कि जो बी वाला आउटपुट है वो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये जो हमने सैम्पल पेपर के बी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है अब बात करेंगे हम सी सेक्शन की जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो बात करते हैं सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रोहित जो है वो क्लास ट्वेल्व का स्टूडेंट है और वो सी एस मॉडल के बारे में पढ़ रहा है तो एग्जाम में जो है उसे सी फाइल को क्रिएट करने के लिए इनकम्प्लीट कोड दिया गया है कौन सी सी फाइल होगी स्टूडेंट के नाम से सी फाइल होगी तो इस तरीके से उसे जो है इस फाइल को क्रिएट करने के लिए कोड दिया गया है जो कि इनकम्प्लीट है तो उसको इनकम्प्लीट कोड को पूरा करने में आपको हेल्प करना है मतलब कि आपको जो है पूरा करवाना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये हमारा इनकम्प्लीट कोड और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लिख रखे हैं इस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की इस पर बेस्ड तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट बन मतलब की स्टेटमेंट बन जो है वहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम क्या सी एस वी मॉडल को तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यहाँ पे जो है सी एस वी आपका स्मॉल में रहेगा तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बोला है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट टू मतलब कि स्टेटमेंट टू के लिए क्या कोड आएगा स्टेटमेंट टू हमारा कौन सा है ये तो यहाँ पे सिंपल सी बात है फाइल को हमें ओपन करना है तो फाइल को हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन मतलब कि ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट डॉट सी एस पी और राइट मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है चूज द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट थ्री मतलब कि स्टेटमेंट थ्री के लिए यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा स्टेटमेंट थ्री की अगर हम बात करें तो ये है तो यहाँ पे देखिए एस टी ओ राइटर और इक्वल है सी एस बी डॉट तो सी एस बी डॉट क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सी बात है राइटर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा राइटर और एफ एस मतलब कि फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की तो यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट फोर मतलब कि स्टेटमेंट फोर के लिए जो है आपका कोड क्या आएगा मतलब कि यहाँ पे इनमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट होगा तो स्टेटमेंट फोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर क्या है रोल नंबर है नेम है क्लास है सेक्शन है ये जो है हाँ हमारे इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे लिस्ट के एलिमेंट में तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं फिफ्टी फोर की तो फिफ्टी फोर में क्या पूछा गया है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट फाइव मतलब कि स्टेटमेंट फाइव के लिए क्या आएगा तो स्टेटमेंट फाइव की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फाइव तो यहाँ पे अपेंड करने के लिए बोला गया है तो अपेंड किसको करेंगे अपेंड करेंगे हम जो है इसको रैक वाले को मतलब कि रैक वाली लिस्ट को जो है यहाँ पे अपेंड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा वाला देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी मतलब कि रैक को हम जो है अपेंड कर रहे हैं तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव की तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव में बोला गया है चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट सिक्स टू क्रिएट डिजाइड सी एस वी फाइल मतलब कि सी एस वी फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सा जो है फंक्शन यहाँ पे आएगा तो फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कौन सा फंक्शन आएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट right रोज क्योंकि हमें जो है यहाँ पे मल्टीपल रोज को राइट right करना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी राइट रोज मतलब कि राइट रोज की हेल्प से जो हम इस काम को करेंगे तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का आंसर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट इसके साथ जो है हमने सैम्पल पेपर को भी डिस्कस कर लिया है और काफ़ी सारे एम सी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके लिए एक पूरा सैम्पल पेपर बना के लेके आऊँगा जिसमें कि जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे तो पूरे एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तो उस सैम्पल पेपर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन एक न्यू सैम्पल पेपर और बना के लाऊंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग